हाय गाइस, सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई थिंक ये ब्रेक की जरूरत थी, तो अभी ऐसा कुछ हुआ कि हम एकदम बिल्कुल ही मजेदार हो गए। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं तुमको एक बात मजेदार बात बता रहा था। हाँ, लॉजिक 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 बिहाइंड द टेंडर, कि ये जो टेंडर है, अगर ये जो इसकी हमें गाइडलाइंस दी है काउंसिल ने, इसका लॉजिक क्या है। तो मैंने कहा देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें एरियाज ऑफ सर्विस विच आर एक्सक्लूसिवली टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने कहा जब भी कोई एरिया ऑफ सर्विस एक्सक्लूसिव है टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इन्होंने कहा हम नहीं चाहते, कोई भी मदर नहीं चाहती कि उसके जो बच्चे हैं वो आपस में लड़े, वो आपस में एकदम वो करें कि भाई मैं अपने आगे भाई से आगे निकलूंगा, भाई दूसरे भाई को कह रहे हैं मैं उससे आगे निकलूंगा। तो बेसिकली जब भी सारे मेंबर्स होंगे, कभी भी ऐसे ही नहीं चाहेगा कि कोई एरिया अगर एक्सक्लूसिव है टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर ऑडिट की बात हो रही है तो सारे लोग इस तरह से करें जैसे एक बिजनेस है। बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल्स, वी आर प्रोफेशनल्स, हम बिजनेस की तरह ऐसे टेंडर्स और इंक्वायरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट अगर यही टेंडर एरिया ऐसा है जहां पे बाकी प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोई माँ ये भी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे पीछे रह जाए। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें उन एरियाज में उन्होंने कहा कि आप टेंडर डाल सकते हो, आप टेंडर्स और इंक्वायरीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो अब ये बात आपको समझ आई गई होगी कि क्यों हम एक्सक्लूसिविटी वाली बात करते हैं। दूसरी चीज, वाई मिनिमम फीस? सर यहाँ पे मैक्सिमम फीस भी तो हो सकता था। ऐसे क्यों लिमिट करेगी तुमको, ऐसे क्यों चाहेगी कि तुम्हारी जो फीस है वो लिमिट हो? मैक्सिमम तो तुम करोड़ों कमाओ ना, अरबों कमाओ, बट मिनिमम फीस लिखने के पीछे ना एक रीजन है, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन। अगर वो कह देगी ना कि टेंडर में, अगर वो कह देगी टेंडर में मैक्सिमम फीस और मिनिमम फीस नहीं है, तो कई सारे चीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कई सारे चीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जस्ट टू प्रोक्योर द टेंडर, जस्ट टू गेट द टेंडर, वो ढाई ढाई लाख रुपए वाली सर्विसेज ना ढाई ढाई हजार रुपए में देने शुरू कर देंगे। एंड जो प्रोफेशन की वैल्यू है वो धीरे से नीचे आ जाएगी, धीरे से क्या, धड़ाम से नीचे आ जाएगी। इस वजह से जस्ट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन उन्होंने एक बात बोली कि तुमको अगर ढेर सारे पैसे कमाने हैं तो तुम अपने पैसे पे लिमिट क्यों लगाते हो? मिनिमम फीस बोलो ना कि मिनिमम तो कम से कम अपने को इसके लिए 5,000 रुपए चाहिए, कम से कम 50,000 चाहिए, कम से कम 5,00,000 चाहिए। मैक्सिमम तो टेंडर डिसाइड करेगा कि जो जो बंदा जो जो अफोर्ड कर रहा है। तो मैंने कहा अगर मिनिमम फीस डिसाइडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इवन इफ दे आर एक्सक्लूसिव टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या तुमको ये सारी बातें क्लियर है? जिसका ये डाउट था, आई थिंक धैर्य का डाउट था, तो आई होप योर डाउट इज रिजॉल्व, तुमको ये बात एकदम समझ आ गई। यस सर। अब इन्होंने एक बात बोली कि क्लॉज 6 को लाया क्यों गया है, क्लॉज 6 को लाया क्यों गया। तो जब भी क्लॉज 6 का आप आंसर लिखोगे तो दो चीजों का तड़का लगाओगे। मैंने कहा क्या क्या तड़का लगेगा? सबसे पहले तड़का लगेगा दैट मेंबर्स शुड नॉट अडॉप्ट एनी इनडायरेक्ट मेथड्स टू एडवेंचर देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस विद अ व्यू। सर क्यों उन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट मेथड्स अडॉप्ट नहीं करने? विद अ व्यू टू गेन पब्लिसिटी एंड देयर बाय सॉलिसिट क्लाइंट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क। इन्होंने कहा आप कोई इनडायरेक्ट मेथड्स अडॉप्ट नहीं करोगे टू गेन पब्लिसिटी और सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क। प्लस सच अ रिस्ट्रेंट मस्ट बी प्रैक्टिस सो दैट द मेंबर्स में मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट, ताकि वो अपनी जजमेंट की जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन करें, एंड मे बी एबल टू कमांड रिस्पेक्ट फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, अपने जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं उनसे वो प्रॉपर रिस्पेक्ट कमांड कर सके। तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, इस वजह से क्लॉज 6 को लाया गया। अब मैं तुमको छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात क्या है, मेंबर्स मे पुट आउटसाइड देयर कोचिंग और टीचिंग प्रेमाइसिस साइन बोर्ड मेंशनिंग क्या नेम ऑफ कोचिंग एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट, आना ही चाहिए, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और उसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ यही बातें आएंगी और कोई बात नहीं आएगी। प्लस जब वो प्रेस में, प्रेस मतलब जो भी न्यूज़पेपर होते हैं उसमें कोई एडवर्टीजमेंट डालेंगे, नोट्स डालेंगे, तो वो ये लेटर्स सर्कुलेट नहीं करेंगे अपने पॉसिबल क्लाइंट्स को, अपने पॉसिबल क्लाइंट्स को वो ये सारे लेटर्स सर्कुलेट नहीं कर सकते। अगली चीज, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि क्या क्या वो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। दे मे एडवर्टाइज चेंजेस इन देयर पार्टनरशिप्स और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स और चेंज इन एड्रेस टेलीफोन नंबर, बट याद रहे जब भी ये चेंजेस होंगे आपने सिर्फ इनके बेयर स्टेटमेंट्स देने, आपने सिर्फ फैक्ट्स देने, इनको बड़ा चढ़ा के नहीं बताना। प्लस एक बात बताओ, अगर आज मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हूँ, आज मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हूँ और मेरा जो एड्रेस है वो लक्ष्मी नगर से प्रीत विहार हो गया, तो अगर मेरे को न्यूज़पेपर में डालना होगा तो मैं दिल्ली के न्यूज़पेपर में डालूंगा या मैं ऑल ओवर इंडिया जितने न्यूज़पेपर है सर्कुलेशन में सब में डाल दूंगा? सर आप सिर्फ दिल्ली के न्यूज़पेपर में डालोगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस दिल्ली में है, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया क्यों डालोगे न्यूज़पेपर में? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। प्लस एक सवाल और मेरा, क्या सवाल है, क्या ये जो इंसर्शन है, ये जो मैं डाल रहा हूँ बात न्यूज़पेपर में, मैं एक पेज पे डालूंगा या हर पेज पे ऐसे बड़ी बड़ी बात ये डाल दूंगा? सर आप एक ही पेज पे डालोगे, हर पेज पे लिखने का क्या मतलब है, आपने तो बस एक फैक्ट डालना है कि आपका एड्रेस चेंज हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो बेयर स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इज अलाउड एंड कंसीडरेशन शुड बी गिवन टू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर, किस एरिया में वो न्यूज़पेपर जा रहा है, जैसे हमने दिल्ली की बात करी। एंड द नंबर ऑफ इंसर्शंस, आप कितनी बार उस बात को, कितनी बार उस बात को अपने न्यूज़पेपर में डालते हो, आप कितनी बार उस बात को न्यूज़पेपर में डालते हो। यस, ये बात आपने याद रखी है।
और अगली चीज, परमिटेड टू इशू क्लासिफाइड एड इन जर्नल और न्यूज़लेटर ऑफ आईसीआई. आप आईसीआई का जो जर्नल है, आप आईसीआई का जो जर्नल है, आईसीआई का जो न्यूज़लेटर है, उसमें एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप आईसीआई के जर्नल और न्यूज़लेटर में एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, क्योंकि उससे आईसीआई को मस्त रेवेन्यू मिलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है. प्लस इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें इन्फॉर्मेशन दोगे फॉर शेयरिंग प्रोफेशनल वर्क ऑन असाइनमेंट बेसिस. आप असाइनमेंट बेसिस पे, आप असाइनमेंट बेसिस पे प्रोफेशनल वर्क शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन दोगे. और सीकिंग पार्टनरशिप और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर करना है तो इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, या आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए उस तरह की भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. ऑफ अकाउंटेंसी नेचर, अकाउंटेंसी नेचर का मतलब है अगर आपको किसी के अंडर अकाउंटेंट बनना है, अगर आपको अंडर किसी के अंडर अकाउंटेंट बनना है तो आप वो काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. प्रोवाइडेड आपका सिर्फ नाम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, फैक्स नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और एड्रेस होना चाहिए ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ऑफ मेंबर. आप अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट का भी दे सकते हो, अगर आप उनको अपना चाहते हो, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, कुछ भी आपको डालना है आप डाल सकते हो. हाउएवर मेयर फैक्चुअल पोजिशन ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हो, स्पेशलाइजेशन डाल सकते हो, बट याद रहे फैक्ट डालना है, इसको आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बताना, सो दैट यू आर able to seek the response for the advertisement. ये आपको permissible है, ये आपको permissible है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब आते हैं अगली बात. कई सारी organizations panel बनाती है कि हमारे panel बनेंगे auditors के, ठीक है. कई सारी organizations से जो panels बनाती है, example ले लेते हैं bank audit. तो जो bank audit बढ़ता है उसके लिए proper paneling empanelment होती है, government audits होते हैं उनकी proper empanelment होती है कि किसको government audit दिया जाएगा. तो मैंने कहा ये जो empanelment होती है इसके लिए भी आप फील फ्री आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, जो बंदा ये पैनल बनाता है कि आपका नाम भी इंक्लूड किया जाए. बट याद रहे आप तभी ऐसी चीजें लिख सकते हो जब आपको पता है कि ऐसा कोई पैनल बना हुआ है. अगर ऐसा कोई पैनल है ही नहीं और आप ऐसी मजे में आपने उठा के बस कोल्ड कॉलिंग शुरू कर दी तो आपको वो चीज अलाउड नहीं है, क्योंकि उसी कोल्ड कॉलिंग को ये रोविंग इंक्वायरीज कहते हैं. आप रोविंग इंक्वायरीज नहीं कर सकते, यानी यू फील फ्री टू राइट टू कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट प्रॉपर फॉर सीए टू मेक रोविंग इंक्वायरीज. Permissible to quote fees on inquiries received from bodies which maintain such panel. अगर कोई body ऐसा panel maintain करती है और वो आपसे inquiry करती है तो आप अपनी fees भी quote कर सकते हो. अब आती है बात क्या, publication of books, articles और presentation. तो मैंने आपको बताया था कि आप books publish कर सकते हो, articles publish कर सकते हो, clause 11 ने हमें general permission दे रखी है. बट जो आप book publish कर रहे हो, जो article publish कर रहे हो, क्या आप उसमें अपना नाम और फर्म का नाम लिख सकते हो? मैंने कहा हाँ, आप अपना नाम और फर्म का नाम लिख सकते हो, बट आप एक चीज नहीं लिख सकते, जो भी आपकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स है, जो आपने अचीव किया एज अ प्रोफेशनल, वो आप नहीं लिख सकते. सो इट इज नॉट परमिशेबल टू मेंशन एनी प्रोफेशनल अटेनमेंट, बट यू मे इंडिकेट इन द बुक, आर्टिकल और प्रेजेंटेशन योर डेजिग्नेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज द नेम ऑफ द फर्म. आप अपनी फर्म का नाम और अपनी डेजिग्नेशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकते हो. क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? जस्ट कंफर्म मी ऑन द चैट, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है और एकदम तुमको लाउड आ रही है, एकदम मजे से सुनाई दे रही है, तो ये बताओ. नेक्स्ट इज इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशंस. ये भी बड़ा मजेदार पॉइंट है, एकदम मजेदार पॉइंट है सर. ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन, यानी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर में क्या हो रहा है, शादी हो रही है, जी हाँ, शादी हो रही है, या रिलीजियस सेरेमनी. सर रिलीजियस सेरेमनी यानी उसके बच्चे का मुंडन है, तो उसके बच्चे का मुंडन है तो उन्होंने बढ़िया एकदम पार्टी वार्टी रखी जिसमें लड्डू पेड़े बांट रहे हैं, वो उस तरह की रिलीजियस सेरेमनी है. या फिर उसका जो ऑफिस है उसकी ओपनिंग या इनॉग्रेशन है, उसने अपना एक बढ़िया ऑफिस खोला, सबने कहा एकदम सही आ रही है सर, कोई दिक्कत की बात है, मैंने कहा बहुत बढ़िया. उसने अपना एक ऑफिस है उसकी ओपनिंग करी है, उसकी इनॉग्रेशन करी है, उसके लिए उसको एक इन्विटेशन कार्ड देना है. तो मैंने कहा देना तो चाहिए, वो इन्विटेशन कार्ड नहीं देगा तो लोग आएंगे कैसे. एक मेरा दोस्त था तो वो कहता यार मैं ना इस बार शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी में नहीं गया. मैंने कहा क्यों? कहता यार मेरे पास वो नहीं था. मैंने कहा क्या नहीं था? कहता इनविटेशन नहीं था. तो मैंने कहा बुद्धू तेरे पास इनविटेशन नहीं था तो तू जाएगा कैसे, वो तो बेसिक चीज है. तो उन्होंने कहा हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जब ये सब चीजें करता है तो उसको भी इन्विटेशन देने की जरूरत पड़ेगी. तो वो इन्विटेशन किसको दे सकता है, आप सोच के बताओ. आपके अगर घर में कोई पार्टी रहती है, कोई सेलिब्रेशन रहती है, तो आप किसको इन्विटेशन देते हो? सर हम अपने रिलेटिव्स को देते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं, ठीक है, या हमारे कोई प्रोफेशनल कलीग्स रहते तो उनको देते हैं. क्या आप अपने दोस्त के प्रोफेशनल कलीग्स को कभी देते हो इनविटेशन? मैंने कहा नहीं. आईसीआई ने भी यही बात लिखी है कि आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हो, और जो आपके दोस्त हैं उनको दे सकते हो और किसी को नहीं दे सकते. यानी अगर आपका कोई दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसका कोई क्लाइंट है तो वो आपका क्लाइंट नहीं है, तो आप उसको नहीं दे सकते, बट आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो. और इस तरह का क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा. तो याद रखना, आप सिर्फ अपने क्लाइंट को दे सकते हो, अपने दोस्त के क्लाइंट को नहीं दे सकते, ठीक है सर.
अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत मेहनत करी, उसकी मेहनत करते करते उसकी फर्म को 25 साल हो गए, जिसको उसने सिल्वर जुबली बनाया, देन गोल्डन जुबली बनाई 50 साल, प्लेटिनम जुबली बनाई 75 साल, और सेंटेनरी सेलिब्रेशन भी कर दी। मैंने कहा 100 साल से उसकी फर्म चल रही है, वो तो चलेगा बट फर्म चले जा रही है। तो ये जो सेलिब्रेशन होती है इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि तुम्हें पक्का पक्का इसमें डाउट आएगा, आगे जाके तुम्हें लगेगा कि यार ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए, बट मैं कहता हूँ ये भी अलाउड है। यानी इसकी एडवर्टीजमेंट की तुम्हारी फर्म को 25, 50, 75 और 100 इयर्स हो गए हैं, इट मे बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और न्यूज़लेटर, आप इसको पब्लिश कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पक्की पक्की बात, आईसीआई इसको कभी ना कभी पूछने वाला है नेक्स्ट एग्जाम्स में। तो जो भी आपकी फर्म को 25, 75, 50, 100 साल होंगे उसको आप पब्लिश कर सकते हो। और इसमें एक कैच है, अगर आपका कोई नया ऑफिस खुल रहा है, अब मेरा क्वेश्चन है और सब जवाब भी देना, अगर आपका कोई नया ऑफिस खुल रहा है तो क्या जो आपका नया ऑफिस खुल रहा है उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो न्यूज़पेपर में? सोच के मुझे जल्दी से जवाब बताओ चैट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज का, क्या स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज में आप क्या कर सकते हो? तो इन्होंने बोला अ मेंबर इन प्रैक्टिस और अ फॉर्म ऑफ सीएस इज नॉट परमिटेड टू स्पॉन्सर एन इवेंट। स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज क्या होता है? अभी अभी आईपीएल खत्म हुआ, उसके बाद वर्ल्ड कप आया, तो आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी। सर हाँ, रोज रोज नई नई एड आती थी, राहुल द्रविड़ आता था, इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं। मैंने कहा हाँ वही वाली एड, उसके बाद कपिल देव एकदम रणवीर सिंह बनके टैंटा कर रहा था। तो मैंने कहा ये सारी चीजें क्रेड और ये सारी बड़ी बड़ी एप्स कर सकती है। सबने बिल्कुल सही कहा, नो सर वो नहीं कर सकता बिल्कुल, राइट। हम ओपनिंग जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके वो नहीं डाल सकते। तो मैंने कहा अभी स्पॉन्सरिंग की बात चल रही थी, तो मैंने कहा स्पॉन्सरिंग के काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउड नहीं, ये बिजनेस फर्म्स करती है, ये प्रोफेशनल फर्म्स नहीं करती, तो स्पॉन्सरिंग हम नहीं कर सकते किसी इवेंट की। आपको कभी नहीं दिखेगा कि आईपीएल चल रहा हो और उसके बीच में अचानक केएन के एसोसिएट्स है, आइए अपनी टैक्स रिटर्न हमसे भरवाइए, आइए अपना ऑडिट हमसे कराइए, तो ये सारे काम अलाउड नहीं है। ही मे स्पॉन्सर एन इवेंट कंडक्टेड बाय पीओयू ऑफ आईसीए। देखो जब आईसीए को पैसे लेने की बात आती है आईसीए कभी मना नहीं करता। वो कह रहा है अगर हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है, यानी ये जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनके लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हो, बट प्रायर अप्रूवल लगेगा। मैंने कहा किसका प्रायर अप्रूवल लगेगा? सीपीई डायरेक्टरेट ऑफ आईसीए, यानी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, जो सीपीई डायरेक्टरेट ऑफ आईसीए उसका प्रायर अप्रूवल लगेगा, प्लस मेंबर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सीएसआर। अगर आप सीएसआर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी स्पॉन्सर कर रहे हो, देन यू मे मेंशन द इंडिविजुअल नेम विद द प्रीफिक्स सीए, आप अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हो, बट आपकी फॉर्म का नाम या सीए लोगो यूज करना परमिटेड नहीं है। तो अगर सीए मोनिका ने कोई इवेंट स्पॉन्सर किया है तो उस इवेंट स्पॉन्सर के नाम पे सीए मोनिका आ सकता है, बट यहाँ पे आईसीए का लोगो नहीं आएगा, मोनिका की फॉर्म का नाम नहीं आएगा, ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। शेयरिंग द फर्म प्रोफाइल विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। सर फर्म प्रोफाइल मतलब फर्म का नाम, कितने साल से फर्म काम कर रही है, कितने साल से फर्म ने क्या क्या काम किया है, कौन कौन से चीजें हैं, वो सारी डिटेल्स, एड्रेस, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइडेड है, आप ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो कि नहीं? मैंने कहा नहीं कर सकते, बट अगर क्लाइंट मांगता है तो आप दे सकते हो, आप इतने रूड भी नहीं हो सकते। तो इन्होंने बोला नॉट परमिटेड टू शेयर द फर्म प्रोफाइल विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट अनलेस इट इज इन रिस्पॉन्स टू अ प्रपोज्ड क्लाइंट स्पेसिफिक इंक्वायरी। अगर क्लाइंट ने मांगा है, यार जो कोई तुमको इतने प्यार से मांग रहा है कि यार अपनी फर्म की प्रोफाइल शेयर करो ना, मैं तुमको मस्त सर्विस देना चाहता हूँ, तो आप शेयर करो ना, क्यों नहीं करते? तो करना पड़ेगा, एंड अदरवाइज नॉट प्रोहिबिटेड टू बी यूज्ड बाय द क्लाइंट, आप क्लाइंट को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगली चीज, तारे जमीन पर, कहां गई मेरी बॉटल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। टेलीविजन और मूवी क्रेडिट्स। सर टेलीविजन और मूवी क्रेडिट्स का क्या मतलब है? जब भी आप कोई पिक्चर देखने जाते हो, हाँ सर, तुम क्या आखिरी तक कभी रुके हो? एवेंजर्स में तो रुकते हैं सर, वो ना मार्वल वाली मूवीज में बढ़िया बढ़िया सीन दिखाते हैं। मैंने कहा हाँ। बाकी किसी मूवी में? हाँ सर रुकते हैं। तो मैंने कहा जब आखिरी में मूवी खत्म हो जाती है ना, उसमें ना क्रेडिट्स आते हैं। क्रेडिट्स का क्या मतलब है? नाम आता है डायरेक्टर का, उसके नीचे डायरेक्टर लिखा होता है, डायरेक्टर का नाम, एक्टर लिखे होते हैं एक्टर के नाम, ये सब चीजें आती है। तो आजकल क्या है कि जो उनका ऑडिटर होता है उसका सीए का नाम भी आता है। तो मैंने कहा वो नाम क्या आ सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ आ सकता है, इफ द एग्जीबिशन ऑफ नेम इज नॉट मेड डिफरेंटली एज कम्पेयर टू द अदर एंट्रीज इन द क्रेडिट। जैसे डायरेक्टर लिखा है डायरेक्टर का नाम आ रहा है, ऐसी ऑडिटर और ऑडिटर का नाम भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वैसे ही आना चाहिए जैसे सबका नाम आ रहा है। सर व्हाट इफ द पार्टनरशिप फर्म डू सीएसआर, क्या फर्म का नाम आ सकता है? अनुभव सर आप, हाँ अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है वो अगर कोई सीएसआर एक्टिविटी कर रही है,
वो अगर कोई सीएसआर एक्टिविटी कर रही है तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर हमने कोई सीएसआर एक्टिविटी करी है और हम बच्चों को मस्त खाना पीना खिला रहे हैं तो वहां पे फर्म का नाम आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी थी, तो यहाँ पे क्या बात लिखी थी, हाँ, मेंबर स्पॉन्सरिंग रिलेटिंग टू सीएसआर में मेंशन देयर इंडिविजुअल नेम, हाउएवर मेंशनिंग द फर्म नेम इज नॉट परमिटेड। यार देखो फर्म नेम परमिटेड नहीं है दोस्त, तुम मेरे को ऐसे बहकाओ मत। हाँ अनुभव तुमको ना ऐसे भी ऐसे बहका सकता है कि क्या अगर एक फर्म कर रही है तो क्या फर्म का नाम यूज हो सकता है, फर्म का नाम नहीं यूज हो सकता है, फर्म का नाम नहीं यूज हो सकता। लिखा है ना मेंशनिंग ऑफ द फर्म नेम इज नॉट परमिटेड, आप फर्म का नाम यूज ही नहीं कर सकते। जब फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते तो फर्म का नाम यूज ही नहीं करना, आप इंडिविजुअल पार्टनर्स के नाम लिख दो भले कि सीए ये है, सीए ये है, सीए ये तीनों मिलकर काम करा रहे हैं, बट फर्म का नाम नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अमाउंटिंग टू इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन। आप इनडायरेक्टली सॉलिसिट कर रहे हो और जो एक्ट का पर्पस है ना वो डिफीट कर रहे हो। अनुभव तुम नहीं यूज कर सकते, तुम फर्म का नाम भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है सर। प्लस सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क बाय मेकिंग रोविंग इंक्वायरीज, क्या आप रोविंग इंक्वायरीज कर सकते हो? तो मैंने कहा नहीं, नॉट परमिसेबल फॉर मेंबर्स टू एड्रेस लेटर्स, ईमेल्स और सर्कुलर्स टू पर्संस हु आर लाइकली टू रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ सीए सिंस इट वुड अमाउंट टू एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आपको लगता है किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विसेज चाहिए तो आप उसको लेटर्स वगैरह लिख के नहीं पूछ सकते कि क्या तुम मेरे से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विस लोगे। सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कलीग्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम मांग सकता है। मैंने कहा उसको हमने क्या बोला था, साड़ी यानी सिक्योर, और क्या क्या, अप्लाई रिक्वेस्ट और इनवाइट वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप बाकी सीए प्रैक्टिस से काम मांग सकते हो। अगली चीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर एक ऑडिटर कंपनी छोड़ के जाता है, अगर आप इसी ऑडिटर को रिमूव कर देते हो तो ऑडिटर के पास राइट रहती है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ही हैज अ राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द कंपनी। बट याद रहे वो जो रिप्रेजेंटेशन करता है दैट शुड बी इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर, कि मतलब हाउ ही हैज एक्टेड कॉन्साइंशियसली, हाउ ही हैज एक्टेड इंडिपेंडेंटली थ्रू आउट द टर्म ऑफ ऑडिट। इट शुड नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटेशन, दिस शुड नॉट बी डन टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी। यही बात इन्होंने बोली है, अपॉर्चुनिटी इन्होंने बोला स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच एन ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू मेक अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसको हम कंपनीज एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बीइंग यूज्ड, इसको हमें यूज नहीं करना टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, हमें नीडलेस पब्लिसिटी के लिए इस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं करना। लेटर शुड मेयरली सेट आउट इन अ डिग्निफाइड मैनर, आपने बस डिग्निफाइड मैनर में यह बताया ना कैसे आपने थ्रू आउट द टर्म इंडिपेंडेंटली काम किया, कॉन्साइंशियसली मतलब ध्यान से काम किया throughout the term of office, and in addition you can also indicate, aap indicate kar sakte ho your willingness to continue as an auditor if re appointed by the shareholders. agar aapko shareholders mauka de to aap willing ho to be appointed as an auditor. ab mera aapse question chat box mein shuru ho jao, mera aapse sirf ek hi question hai, agar ek auditor ne company ko help kiya in improving their internal controls, kya wo ye fact apni representation mein mention kar sakta hai ki nahi? aapka samay shuru hota hai ab, theek hai jaldi se batao mujhko chat box mein. ab agla part, acceptance of original professional work by a member emanating from the client introduced to him by another member. मैं एक पार्टी में गया, ठीक है सर, उसमें मेरा दोस्त भी पार्टी में आया जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, मैं खुद भी एक सीए इन प्रैक्टिस हूं। मेरा जो दोस्त है उसको कम से कम 5-6 साल हो गए हैं। चंदन ने कहा यस, वासवी ने कहा यस, यस कैसे मेंशन कर सकते हैं हम? आयशा ने बिल्कुल सही कहा, नो सर हम ये मेंशन नहीं कर सकते। क्यों भाई साहब? मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा ना, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, कौन सा पॉइंट की बात हो रही है, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, राइट? यहां पे अगर मैं ऑडिटर रिटायर होके जा रहा हूं, ऑडिटर को निकाला जा रहा है, तो मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन में ये नहीं लिख सकता मैंने क्या बड़ा चढ़ा के बढ़िया काम किया है। मेरे को सिर्फ डिग्निफाइड मैनर में ये लिखना है हाउ आई हैव एक्टेड इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्साइशियसली। कॉन्साइशियसली कितना मजेदार नाम है ना, तो इसी में अपना पूरी टंग की ट्विस्टिंग हो जाती है, कॉन्साइशियसली थ्रू आउट द टर्म ऑफ ऑडिट प्लस आई एम विलिंग टू बी रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, फर्क नहीं पड़ता कितने इंटरनल कंट्रोल तुमने इंप्रूव करा दिए, ये सब बातें तुम नहीं लिख सकते, ये याद रखना, तभी मैंने तुमको पूछा था, ठीक है? इसका एक मस्त क्वेश्चन भी मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। अब आता है बात क्या, अब आती है बात कि मैं बता था मैं पार्टी में गया अपने दोस्त के साथ, तो मेरा दोस्त था प्रथम, ठीक है, मेरा दोस्त था प्रथम, उसके साथ मैं पार्टी में गया, हम दोनों सीए इन प्रैक्टिस हैं। प्रथम को प्रैक्टिस करते हुए कम से कम 4 साल हो गए, उसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो प्रथम ने मुझे अपने एक क्लाइंट से मिलवाया और उस क्लाइंट के साथ मिलवाते ही हम टिक्की काउंटर में मिले, मस्त टिक्की बन रही थी तो हम आलू टिक्की चाट खा रहे थे, और प्रथम ने जैसे ही मुझे उस क्लाइंट से मिलवाया उस क्लाइंट और मेरी बातें शुरू हो गई। प्रथम टिक्की खा ही रहा था कि तभी उसकी नजर गई चाउमिन के काउंटर पे, वो चाउमिन के काउंटर पे चला गया। सर कैसी बातें कर रहे हो, मुंह में पानी आ रहा है। मैंने कहा रुक जाओ सुनो तो सही,
ठीक है, तो जो प्रथम है वो चाउमीन के काउंटर पे चला गया और वो बस चाउमीन बनवा रहा था, ठीक है सब बस चाउमीन बना रहा था, सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, बस चाउमीन खा रहा था, मैं और क्लाइंट साथ में टिक्की खा रहे थे। तभी क्लाइंट ने बोला यार मेरे पास ना एक काम है, क्या तुम करोगे? मुझे प्रथम ने बताया तुम भी एक सीएन प्रैक्टिस हो, तो क्या तुम वो काम करोगे? तो एक बात बताओ, जिस क्लाइंट से मुझे मेरे दोस्त ने मिलवाया है, क्या मैं उस क्लाइंट से डायरेक्टली काम एक्सेप्ट कर सकता हूँ? लॉजिकली बताना सर, एथिकली तो नहीं करना चाहिए, उसको प्रथम के थ्रू आपके पास आना चाहिए क्योंकि प्रथम ने उसको मिलवाया है। मैंने कहा यही बात आईसीआई ने समझी और आईसीआई ने बोली, इन्होंने बोला मेंबर विल नॉट एक्सेप्ट ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क इमिनेटिंग फ्रॉम अ क्लाइंट इंट्रोड्यूस टू हिम बाय अनदर मेंबर। जो क्लाइंट से मुझे दूसरे मेंबर ने मिलवाया है, चौमिन खाते वाले प्रथम ने, ठीक है जो प्रथम चौमिन खाता है उसने मुझे मिलवाया था टिक्की वाले क्लाइंट से, तो मैंने कहा टिक्की वाला क्लाइंट अगर मेरे को काम दे रहा है तो प्रथम के थ्रू आए ना, डायरेक्टली मेरे पास नहीं आना चाहिए। If any professional work of such client comes directly, अगर मेरे पास directly आता है, तो ये मेरी duty है कि मैं उसको बोलूं कि प्रथम के थ्रू आ, it should be his duty to ask the client that he should come through the other member dealing generally with the original work. जो other member उसके original work के साथ generally deal करता है, मेरी ये duty होनी चाहिए कि मैं उसको बोलूं कि उसके through मेरे पास आ, मेरी ये duty होनी चाहिए कि मैं उसको बोलूं कि उसके through मेरे पास आ, ठीक है सर। अब अगली चीज, गिविंग पब्लिक इंटरव्यूज। पब्लिक इंटरव्यू का क्या मतलब है कि आप जाते हो कहीं और मस्त इंटरव्यूज वगैरह देते हो, बढ़िया बढ़िया सेशंस वगैरह चल रहे होते हैं और इवेंट्स हो रहे होते हैं, वहां पे आप इंटरव्यूज दे रहे हो, तो याद रहे कि इस तरह से इंटरव्यू दो दैट इट शुड नॉट रिजल्ट इन पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। प्लस डिटेल्स अबाउट द मेंबर्स और देयर फर्म्स नॉट गिवन इन अ मैनर हाईलाइटिंग द प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। आप कभी भी अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट नहीं करोगे, आप अपना नाम और अपनी फर्म का नाम दे सकते हो। डिटेल शुड बी गिवन एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड फैक्चुअल नेचर ओनली। आपने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बातें करनी है, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और बड़ा चढ़ा के चीजों को नहीं बताना। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो कि आपकी फर्म का नाम क्या है, तो ही आप अपनी फर्म का नाम बताओगे ऐसे इंटरव्यूज में। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपसे फर्म का नाम पूछे और आप बोलो नहीं 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 क्लॉज 6 मना करता है मैं नहीं बता सकता, आप बता सकते हो, पर आप एक फैक्ट बता सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हमारी बहुत बड़ी फर्म है, दिस इज अ प्रोफेशनल अटेनमेंट दिखाना, यहाँ गिनती हो जाओगे क्लॉज 6 में। अगली चीज, Members or firms who publish advertisements under box numbers. क्या box numbers allowed है? जैसी box number आए ना, मन में दिमाग में बस ये लाल देना कि prohibited है, box numbers prohibited है। सर box numbers क्या होता है? तुमने कई बार देखे होंगे newspapers में classified advertisements वगैरह आ रही होती है, ऐसे box बना होता है और उसमें लिखा होता है professional services by a renowned CA firm, उसके बाद उसमें professional services लिखी होती है, auditing, taxation, आओ तुम्हारा tax बताएं, हमने 5 crore से टैक्स ला के 5 lakh पे टैक्स लाए हुए, इस तरह से चीजें तुम box numbers में advertisement नहीं डाल सकते। Educational videos. No reference should be made to the CA's firm wherein the member is a partner or a proprietor. It should not contain contact details or website address. Basically, क्या कह रहा है? अगर आप as a chartered accountant in practice कोई educational video बनाते हो, sir YouTube वगैरह पे आजकल कई सारे CA in practice educational videos डालते रहते हैं, तो मैंने कहा अगर कोई ऐसी चीज डाल रहा है, कोई educational video डाल रहा है, तो वो उसमें अपनी firm का नाम, अपनी contact details और अपनी वेबसाइट एड्रेस नहीं बताएगा फॉर्म की, तो ये सब चीजें डालना अलाउड नहीं है, क्लॉज 6 में मिसकंडक्ट हो जाएगा। अगली चीज, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लेटर भेजा बाकी सीईओस को जिसमें उसने क्लेम किया कि दैट ही इज अ पायनियर इन लाइजनिंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ उसकी अच्छी जान पहचान है, उठना बैठना है, चाय पे चर्चा करते रहता है। तो बच्चे कह रहे सर रियल में तो ऐसा होता ही नहीं, रियल में तुम आर्टिकलशिप में कितने घंटे काम करते हो? जो बच्चे बोल रहे रियल में ऐसा होता नहीं, तुम बताओ मुझे आर्टिकलशिप में तुम्हारे जो बॉस है सीए साहब है वो तुमसे कितनी देर काम कराते हैं? सारे बच्चे मेरे को बताएंगे रियल में तो क्या होता है। मैं एक बात बताऊं, रियल में तो जो रियल फ्रूट जूस है उसमें भी फ्रूट रियल होता है नहीं होता हमको क्या पता? रियल में तो जो रियल फ्रूट जूस है उसमें भी फ्रूट रियल होता है कि नहीं होता हमको क्या पता? रियल में क्या होता है हमको क्या पता? बट जो बुक में लिखा है, जो हमको पता होना चाहिए वो हमको पता है। क्या हमको सीए बनाएगा ये बातें बताएंगी? अब रियल जो दुनिया है वो तो बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ सर हो सकती है, ठीक है। तो सीए ने सेंड करे लेटर्स टू अदर सीएस क्लेमिंग टू बी अ पायनियर इन लर्निंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मेरा उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उठना बैठना है तो वो सारा काम गवर्नमेंट का संभाल लेता है। यहाँ पे इन्होंने बोला दैट ही विल बी हेल्ड गिल्टी इन दिस क्लॉज, यानी एक सीए दूसरे सीए से काम तो मांग सकता है, वो उसको लेटर्स तो लिख सकता है, बट लेटर लिखते वक्त एकदम डिग्निफाइड मैनर में काम मांगना है। इस तरह से काम नहीं मांगना कि आप अपने आप को ऐसे बड़ा चढ़ाते बता रहे हो। बच्चे बता रहे हैं सर 10 बजे तक टैक्स ऑडिट का सीजन चलता है, 10 बजे तक टैक्स ऑडिट का सीजन चलता है, यानी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, यानी 12 घंटे काम होता है। क्या बात कर रहे हो यार, क्या छोटे छोटे नन्ने नन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को ऐसे 12 घंटे काम कराया जा रहा है? बट ये रियलिटी, यही जीवन है, क्या कर सकते हैं।
अब आती है बात क्या सर सीए फर्म की वेबसाइट की, सीए फर्म की वेबसाइट की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी आईसीआई मतलब क्लॉज 6 का क्वेश्चन आएगा तो वेबसाइट का क्वेश्चन तो आता ही आता है। क्लॉज 6 का क्वेश्चन आता है मोर देन 35 आवर्स पर वीक। हेली वोरा जी कह रही है सर मैं तो 35 घंटे से ज्यादा हर हफ्ते काम करते करना भी चाहिए, तुमको आदत कैसे लगेगी वरना काम करने की, बट यस ज्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का मतलब नॉर्मल बढ़िया काम। ठीक है तो अपन अब वेबसाइट की तरफ आगे बढ़े, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे क्या अपन अब वेबसाइट की तरफ आगे बढ़े। कितना बड़ा क्लॉज है ये, बस थोड़ी छोटी छोटी बातें रह गई हैं, फिर मैं तुमको एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा। उसके बाद आएगा क्लॉज 7, क्लॉज 7 भी बहुत छोटा सा है, क्लॉज 7 भी बहुत छोटा सा है, आज हम क्लॉज 7 करके जाएंगे, क्लॉज 6 और 7 हम करके जाएंगे, क्लॉज 6 और 7 हमें खत्म करना है आज किसी भी हालत में। ठीक है सर क्लॉज 6 और 7 आज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है तो अब आती है बात किसकी, अब आती है बात वेबसाइट फॉर अ सीए फर्म, अब हम सीए फर्म की वेबसाइट की बात करेंगे। यस सो वेबसाइट ऑफ अ सीए फर्म शुड बी ऑन अ पुल मॉडल नॉट ऑन अ पुश मॉडल, इन्होंने कहा पुल मॉडल पे होनी चाहिए पुश मॉडल पे नहीं। सर पुल मॉडल पुश मॉडल का क्या मतलब है, मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, जैसी मैं वेबसाइट पे जाऊं मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, इट शुड बी ऑन अ पुल मॉडल, यानी जैसे ही वेबसाइट पे जाओ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पॉपअप करके बेस्ट सीए फॉर्म इतने पैसे बचाती है, इतने बढ़िया रिटर्न फाइल करती है, इतना बढ़िया ऑडिट करती है, इस तरह से चीजें पॉपअप होके नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी ऑन अ पुल मॉडल नॉट ऑन अ पुश मॉडल, मेरे ऊपर इन्फॉर्मेशन पुश नहीं होनी चाहिए, मैं इन्फॉर्मेशन पुल करूंगा, मैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है इस तरह से वेबसाइट होनी चाहिए। प्लस इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट शुड नॉट बी सर्कुलेटेड ऑन ओन, अपने हिसाब से ऑन ओन होना चाहिए। ठीक है इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट शुड नॉट बी सर्कुलेटेड ऑन ओन और ईमेल्स एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट, इन्होंने क्या बात बोली, जैसे हम सुबह अपनी ईमेल खोलते हैं तो हमारी ईमेल पे क्या होता है सर जोमेटो स्विगी इन सबके ना बढ़िया बढ़िया ईमेल्स आए हुए होते हैं, क्यों बैठे हो खाली जब मिल रही है तुमको 60 रुपए में थाली, मतलब इस तरह से बातें लिखी होती है उनमें, है ना। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से जो बातें होती है जो पुश करी जाती है ये सब चीजें बिजनेस को शोभा देती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को शोभा नहीं देती। क्यों हो तुम इतने गुमसुम, आओ तुम्हारा टैक्स बचाएं, सीए एसकेएन एसोसिएट्स क्या अच्छा लगेगा तुम्हें, इस तरह से तुम्हारा मेल भरा रहेगा, तुम्हारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के लिए ना जो इज्जत है मन में वो सारी खराब हो जाएगी। तो इन्होंने कहा जो भी इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप ही सर्कुलेट होती जा रही है लोगों के पास, नहीं, अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तब वो इन्फॉर्मेशन उसके पास आए। अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट पुल मॉडल नॉट पुश मॉडल। प्लस हमने कोई मटेरियल ऐसा इशू नहीं करना टू सॉलिसिट द यूजर्स टू विजिट देयर वेबसाइट, अरे वेबसाइट विजिट करो वेबसाइट विजिट करो वेबसाइट विजिट करो, मतलब सोचो ना आप बस स्टैंड पे खड़े हो या मेट्रो के आगे खड़े हो, वहां पे कोई बंदा आता है चिल्लाते हुए अरे सीएफएम की वेबसाइट विजिट करो वेबसाइट विजिट करो, या चना जोर गरम है क्या, मतलब वेबसाइट विजिट कराने के लिए तुम क्या क्या करोगे। मैंने कहा सिंपल सी बात है वेबसाइट विजिट कराने के लिए तुमको कोई ऐसे पैम्फलेट नहीं बंटवाने, नॉर्मल सी बात है जिसको वेबसाइट पे आना है वो अपने आप आएगा, ऐसे तुमको लोगों को सॉलिसिट नहीं करना कि आओ हमारी वेबसाइट विजिट करो। यस सर चंदन ने कहा यस सर मजा आ रहा है, क्या बात है चंदन मुझे भी मजा आ रहा है। इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी डिस्प्लेड, अब हम वेबसाइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं, सबसे पहले तो मेंबर और फर्म का नाम, बहुत नॉर्मल बात है वेबसाइट पे फर्म का नाम और मेंबर का नाम आना ही चाहिए। प्लस ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी जब भी तुम किसी बढ़िया खाने की दुकान पे जाओगे ना, एस्टेब्लिश्ड इन 1930s, ओ चावलास सर चावलास के आगे क्या लिखा होता है, मैंने कहा चावलास जो होता है उसके लिखा होता है एस्टेब्लिश्ड इन 1947 आई थिंक इस तरह से कुछ लिखा होता है, तो जो भी बढ़िया खाने की दुकान होती है उसमें मस्त एस्टेब्लिश्ड लिखा होता है, सर एस्टेब्लिश्ड से पता चलता है कितनी पुरानी दुकान है। तो मैंने कहा इस तरह से आप अपनी फर्म के साथ भी फर्म के नाम के साथ भी एस्टेब्लिश्ड लिख सकते हो, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आप डाल सकते हो, और एड्रेस भी डाल सकते हो कि आपकी फर्म का एड्रेस है, मेंबर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। बट ये चीजें जो लाल में लिखी है ना, जहां पे मैंने ब्रैकेट में पुल रिक्वेस्ट लिखा है, इन चीजों के लिए बटन अलग से डालना पड़ेगा, अलग से डालना पड़ेगा मतलब एक बटन होगा जहां पे मैं बटन में लिखूंगा नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, जब मैं जाके उस बटन पे क्लिक करूंगा तब मुझे पता चलनी चाहिए क्या क्या नेचर ऑफ सर्विसेज है, वो जाते ही वेबसाइट पे मेरे को नेचर ऑफ सर्विसेज ऐसे सामने से नहीं दिखनी चाहिए। नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड शुड बी अवेलेबल ओनली ऑन अ स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट, यानी जब मैं बटन को दबाऊं तभी मुझे पता चले कौन कौन सी नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड है। प्लस पार्टनर्स की डिटेल्स डालना अलाउड है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर का नाम, किस साल में वो क्वालिफाई किया, किस साल में उसका सीए फाइनल क्लियर हुआ, अदर क्वालिफिकेशन कोई उसने कर रखी है, प्लस उसका फोन, उसकी ईमेल आईडी और
एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, किस एरिया में उस पार्टनर को एक्सपीरियंस है, ये भी आपका पुल मॉडल पे आएगा, ये भी आपका पुल मॉडल पे आएगा। बटन दबाओ तो तुमको एरिया ऑफ एक्सपीरियंस पता चलेगा। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज वैसे के वैसे जैसे पार्टनर्स की है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, क्या जो इम्प्लॉइज का एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है वो पुल मॉडल पे होना चाहिए या वो सीधा सीधा लिखा सकता है? अब आप मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। अगली चीज, जॉब वैकेंसीज, क्या जॉब वैकेंसीज के केस में क्या होगा? मैंने कहा जॉब वैकेंसीज के केस में भी कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली उनको डाल सकते हो। नंबर ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट्स, आप कितने आर्टिकल असिस्टेंट्स को ट्रेन करते हो, ये भी आपका पुल रिक्वेस्ट पे आएगा, ये भी आपका पुल रिक्वेस्ट पे आएगा, ये भी आपका पुल रिक्वेस्ट पे आएगा। कितने आर्टिकल असिस्टेंट्स को आप ट्रेन करते हो, ये भी पुल रिक्वेस्ट पे आएगा। यानी बटन होगा कि आपके अंडर कितने आर्टिकल असिस्टेंट्स रजिस्टर्ड है, उनका उनका आपको डिटेल सिर्फ और सिर्फ पुल रिक्वेस्ट पे देना है। और नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल, सर नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल का क्या मतलब है? मैंने कहा नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल यानी जो जो मैं असाइनमेंट हैंडल करता हूं, यानी बेसिकली एक बात हो गई नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल इज सिमिलर एज नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। तो मैंने कहा यहाँ पे भी पुल रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे भी पुल रिक्वेस्ट आएगी। सबने कहा नीड नॉट, एक ने कहा नीड नॉट बी इन पुल मॉडल, मंदर ने कहा पुल मॉडल, सुषमा ने कहा पुश मॉडल। यार देखो मैंने क्या बोला है, इंप्लॉइज का सिमिलर है टू द पार्टनर, जैसे पार्टनर्स का वैसे इंप्लॉइज का है। तो जो पार्टनर्स हैं उनका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस कैसे है? सर एरिया ऑफ एक्सपीरियंस पार्टनर का पुल मॉडल पे, तो मैंने कहा जो इंप्लॉइज है उसका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस भी पुल मॉडल पे रहेगा। बिल्कुल सही मंदर ने, एकदम बढ़िया बताया। हमारा ये जो है ये पुल मॉडल पे रहेगा, जैसे पार्टनर का वैसे इंप्लॉय का, जैसे पार्टनर का पुल मॉडल पे वैसे इंप्लॉय का भी पुल मॉडल पे। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ सर समझ आ गई। और अब आती है नेक्स्ट चीज, नेम ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज कांट बी गिवन। जो भी आपके क्लाइंट हैं उनसे आप कितनी फीस चार्ज करते हो, ये सब डिटेल्स आप नहीं दे सकते, बट इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक नोट दिया है। सर क्या नोट दिया है? इट कैन बी गिवन इफ रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर। मैंने तुमको पहली क्लास में बता दिया लॉ सबसे ऊपर है, मैंने तुमको पहली क्लास में बता दिया लॉ सबसे ऊपर है। अगर लॉ कहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अगर लॉ और रेगुलेशन कहती है, अगर कोई रेगुलेटर कहता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन आपका क्लाइंट है, आप क्या फीस चार्ज करते हो, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब ये रेगुलेटर इंडिया का होना चाहिए, मेरे भारत महान का होना चाहिए, या बाहर का भी चलेगा, विदेशी रेगुलेटर भी चलेगा। तो इन्होंने बोला रेगुलेटर इंडिया का हो चाहे बाहर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ स्टैच्यू इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंडिया का रेगुलेटर हो चाहे बाहर का रेगुलेटर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। Only to the extent required and period required by the regulator, यानी जिस extent तक regulator कहता है कि आपको ये information देनी है, उसी extent तक आप ये information आप दे सकते हो, और जिस period के लिए regulator कहता है ये information देनी है, उसी period के लिए देनी है। And जहां आप ऐसा disclosure देते हो, सर कैसा disclosure? Client का नाम, क्या fees charge करते हो? Hey, इधर देखो देखो देखो, phone वोन ज्यादा मत चलाओ, ठीक है, चुपचाप यहीं पे देखना है ना। सिंपल सी बात है, जो भी क्लाइंट का नाम है और आप उससे कितनी फीस चार्ज करते हो, अगर आप इस चीज का डिस्क्लोजर देते हो, तो जो मेंबर और फर्म है वो इंश्योर करेगी दैट इट इज मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट इन इटैलिक्स बिलो सच डिस्क्लोजर इटसेल्फ। आपने इटैलिक्स में सामने ये चीज लिखनी है दैट दिस डिस्क्लोजर इज इन द टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ। सर किसने रिक्वायर किया है? नेम ऑफ द रेगुलेटर। इस रेगुलेटर ने कहा कि ये डिस्क्लोजर दो, तो दिस डिस्क्लोजर इज इन द टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। किस एरिया में उसकी ज्यूरिसडिक्शन है? कंट्री और एरिया वेयर द रेगुलेटर हैज ज्यूरिसडिक्शन। वाइड, सर वाइड का मतलब किस रूल और डायरेक्टिव के अंडर हम ये डिस्क्लोजर दे रहे हैं। याद रहे ये सारी चीज किस में आ रही है? सर ये सारी चीज इटैलिक्स में आ रही है, तो मैंने तुमको नोट्स में भी इटैलिक्स में डाल के दे दिया, नोट्स में भी मैंने तुमको इटैलिक्स में डाल के दे दिया, ठीक है सर। क्या हम अपनी वेबसाइट पे फोटो लगा सकते हैं? जल्दी सारे बच्चे बताओ मुझे, क्या हम अपनी वेबसाइट पे फोटो लगा सकते हैं? वेबसाइट पे फोटो लगा सकते हो, बट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ परमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ परमिटेड है। आप फ्रेम्ड एकदम बढ़िया तड़क भड़क वाली फोटो नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। इट मे इंक्लूड बुलेटिन बोर्ड्स, आर्टिकल्स, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस, आप ये तरफ इस तरह की चीजें डाल सकते हो। चैट रूम्स भी दे जा सकते हैं, चैट रूम्स मतलब आप और क्लाइंट एकदम चैटिंग वेटिंग कर सकते हो, बट याद रहे जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक रहेगी, आप किसी और को नहीं दोगे, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल भी हम अच्छे से यूज करेंगे। You can also provide document management facility. Document management facility यानी किसी के कोई भी documents है, professional documents है, आप उनको manage करने की facility दे सकते हो। And ये है star point। मैंने इसको कुछ time पहले अभी अपने Telegram channel पे share किया था। 60% users, 60% students ने एकदम गलत answer दिया, तो मैं चाहता हूँ तुम सही answer दो। क्या हम अपनी social networking site यानी Facebook, Twitter, LinkedIn, इनका link अपनी website पे दे सकते हैं? मैंने कहा yes। You can share the link to your social networking site, but
यू कैन नॉट सॉलिसिट देम टू विजिट और लाइक देयर पेजेस. यानी आप वेबसाइट पे लिख तो सकते हो कि आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट के क्या क्या लिंक्स हैं, बट आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि जाओ मेरा फेसबुक पेज लाइक करो, जाओ मेरे ट्विटर पे मुझे फॉलो करो. इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते. यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन एडवाइस ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर फ्री और पेमेंट. मतलब अगर किसी ने आपको रिक्वेस्ट किया आपको एडवाइस देने के लिए कि आप ऑनलाइन एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, चाहे फ्री में दीजिए चाहे पेमेंट लेके दीजिए, आप दे सकते हैं. जो भी क्लाइंट के मैटर्स होंगे आपको एडिक्वेट सीक्रेसी रखनी है. सीक्रेसी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी. नो एड शुड बी देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ एनी बैनर और एनी नेचर. यानी आपने कई बार वेबसाइट एंटर करी होंगे और उस वेबसाइट पे क्या हो रहा है, सर मामा अर्थ, वाओ, ऑयल्स, इन सब की बढ़िया बढ़िया एड आ जाती है, ऐसे चमक धमक वाली. क्या तुमको सही लगेगा अगर तुम सीए फॉर्म की वेबसाइट पे जाओ और इस तरह की एड्स तुम्हारे सामने आए? सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो मैंने कहा इस तरह के जो बैनर्स है, इस तरह की जो एड्स है, तुम्हारी वेबसाइट पे नहीं आ सकती. नेक्स्ट चीज, मे प्रोवाइड लिंक टू द वेबसाइट ऑफ आईसीआई. देखो 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 देखो, जब आईसीआई की बारी आएगी ना सब अलाउड होगा. जब आईसीआई की बारी आएगी, क्या आईसीआई की वेबसाइट का लिंक आना चाहिए? उसके रीजनल काउंसिल का भी आना चाहिए, ब्रांचेस का भी आना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इन सब के लिंक्स भी तुम दे सकते हो, बट एडवर्टीजमेंट्स वगैरह अलाउड नहीं है. ठीक है. वेबसाइट नेम शुड बी सिमिलर टू द फर्म नेम एंड नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटेशन. इसका क्या मतलब है? मैंने कहा एक फर्म है XYZ LLP. सर XYZ LLP करके एक फर्म है, जो जब इसने वेबसाइट बनाएगी ना, इसकी वेबसाइट इसके नाम जैसी होनी चाहिए, यानी XYZ.com. ठीक है, XYZ firm.com, इसका नाम ऐसा होना चाहिए. इट शुड नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटेशन, यानी BestCAServiceProvider.com. कोई अगर वेबसाइट ऐसे लिखे BestCAFirmInIndia.com, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सामने वाले को सॉलिसिट कर रही है. तो मैंने कहा ये सॉलिसिटेशन अलाउड नहीं है, इस तरह के नाम आप नहीं रख सकते. जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा वो फॉर्म के नाम जैसे ही होना चाहिए. अगली चीज, जो भी आप इंफॉर्मेशन मेंशन करते हो वेबसाइट पे, इट शुड नॉट बी एट द मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम आईसीआई रिकॉर्ड. यानी जो भी आईसीआई के रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने दे रखी है वैसी की वैसी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे होनी चाहिए. दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अब आती है बात क्या, ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म. आई थिंक वेबसाइट वाली आपको सारी बातें क्लियर है. पुल मॉडल पे होनी चाहिए, पुश मॉडल पे नहीं होनी चाहिए. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल सकते हो, पार्टनर की डिटेल्स डाल सकते हो, अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, इंप्लॉइज की डिटेल्स डाल सकते हो, बट कुछ चीजें पुल मॉडल पे आएंगी, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स पुल मॉडल पे आएंगे. पार्टनर का कितना एक्सपीरियंस है, कौन सा एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें भी पुल मॉडल पे आएंगी. क्या ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाला जा सकता है? सर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. गौरव ने पूछा सॉलिसिटेशन मतलब क्या? सर गौरव तुमने कब क्लास ज्वाइन करी? अभी ज्वाइन करी है, बहुत देर पहले. सॉलिसिटेशन मतलब मांगना, सॉलिसिटेशन मतलब सामने वाले को इंड्यूस करना कि वो तुमको काम दे, यानी अगर आज मैं गौरव को बार बार मेल डालता हूँ कि अगर तुमको टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारी फर्म से लो, तो उसको हम सॉलिसिटेशन कहते हैं. अब आती है बात क्या, ओटीपी प्लेटफॉर्म. सर ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड? मैंने कहा नहीं, ओटीपी मतलब ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म. सर ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म मतलब कुछ वेबसाइट कंसल्टेंसी सर्विसेज देती हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए फर्म्स को लेकर आती है. इन वेबसाइट पे जो सीए है उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस नहीं आएगा. फिर से सुनो, कुछ वेबसाइट हैं जो सीए और सीए फर्म्स की जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है. मैंने कहा बिल्कुल सही, उन वेबसाइट्स पे जो सीए है उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस नहीं आएगा. प्लस इट शुड नॉट एडवर्टाइज द प्रोफेशनल अचीवमेंट्स और स्टेटस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. जस्ट मेंशन करना है उसने कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है. उसने बस ये मेंशन करना है मेरे दोस्त कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी कोई अचीवमेंट और स्टेटस के बारे में बात नहीं करना. प्लस नेम ऑफ द सीए फर्म विद सफिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट परमिटेड. यानी अगर कोई सीए फर्म है XYZ LLP, तो XYZ LLP एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नाम नहीं आ सकता. XYZ LLP एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो नाम है ये नहीं आ सकता, इसमें दिक्कत हो जाएगी. अगला पॉइंट, पब्लिकेशन ऑफ नेम और फर्म नेम. आपने पढ़ा होगा टेलीफोन डायरेक्टरीज होती है, जस्ट डायल वगैरह होता है, ये सारी डायरेक्टरीज बनी हुई होती है, ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती है, टेलीफोन डायरेक्टरीज होती है. इसमें क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना नाम डलवा सकते हैं? मैंने कहा हाँ डलवा सकते हैं. एक सेक्शन आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करके, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट में उसका नाम आ सकता है. बट याद रहे सारी चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगी, यानी जिसका नाम ए से शुरू होता है उसका नाम पहले और जिसका नाम जेड से शुरू होता है वो सबसे लास्ट में. तो मैंने कहा इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, जैसे डिक्शनरी होती है वैसे ही हमारी डायरेक्टरी होती है. प्लस मेंबर और फर्म शुड बी विद इन द टाउन और सिटी ऑफ पब्लिकेशन. यानी जिस फर्म, जिस टाउन और सिटी में ये डायरेक्टरी पब्लिश होती है उसी टाउन से वो मेंबर और फर्म होनी चाहिए. अगली बात, उसकी जो एंट्री है
that should not be made in a differential or prominent manner. ऐसा नहीं होना चाहिए. बाकी जो सारी फॉर्म्स है उनका जो फॉन्ट साइज है वो 10 है और इस फॉर्म का फॉन्ट साइज 15 है. तो मैंने कहा 10 और 15 में ये अलग से निखर के आएगी. तो मैंने कहा जो अलग से निखर के आ रहा है उस पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लग जाएगा और वो बाहर ही चला जाएगा. तो अगर हम देखें टेलीफोन डायरेक्टरीज में सारी चीजें एक जैसी आनी चाहिए. ठीक है. एंट्री शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड एंड ओपन टू ऑल द सीएस ऑफ दैट टाउन. ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ उसमें कुछ ही सीए फर्म्स को अलाउड है कि वो अपने डिटेल्स दे सके. सब सीए फर्म्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने डिटेल्स दे सके. अगली चीज आएगी, मेंबर्स कैन ऑल्सो इंक्लूड देयर नेम्स इन ट्रेड और सोशल डायरेक्टरीज. आप ट्रेड और सोशल डायरेक्टरीज में अपना नाम इंक्लूड करा सकते हैं. अब आती है बात क्या, एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर, एग्जाम्पल अर्बन क्लैब. सर अर्बन क्लैब क्या करता है? अर्बन क्लैब इलेक्ट्रिशियंस, टेक्नीशियंस, इन सब की सर्विसेज को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करता है. अगर आपको अपने घर में कुछ एसी वगैरह ठीक कराना है, फ्रिज ठीक कराना है, तो आप अपनी सर्विसेज बुक कर सकते हो इलेक्ट्रिशियन की और वो इलेक्ट्रिशियन आपके घर आ जाता है. या अगर बाल वाल कटवाने, एकदम घर बैठे एकदम सैलून टाइप फील लेनी है, तो आप एक बार्बर वगैरह को ही बुला सकते हो. ठीक है. तो एक बात बताओ कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ऐसे अर्बन क्लैब वगैरह वाली साइट पे अगर आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? सर नहीं अच्छा लगेगा. तो मैंने कहा हाँ, इट इज नॉट परमिसेबल फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. तुमको जो अच्छा नहीं लगता ना वो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा. ठीक है. जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हारी बात सुनकर मना कर दूंगा. ठीक है. सो इट इज नॉट परमिसेबल फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बी रजिस्टर्ड ऑन सच सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर. अगली चीज, स्पेशल डायरेक्टरीज फॉर लिमिटेड सर्कुलेशन. इन्होंने कहा कुछ स्पेशल डायरेक्टरीज होते हैं जो लिमिटेड सर्कुलेशन के लिए होते हैं, जहां पे हम डायरेक्टरीज में सर्कुलेट करते हैं डिटेल्स ऑफ द मेंबर. तो इन्होंने कहा नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर और फर्म में अपीयर इन सच डायरेक्टरी और लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी इन विच द नेम्स आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली. अल्फाबेटिकली नाम होने चाहिए. क्लाइंट्स का नाम नहीं देना, लॉजिकल है. एंड मे सप्लाई इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेशल डायरेक्टरीज ऑन ओन डिस्क्रिप्शन. अगर आपको लगता है आपकी डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशन सप्लाई होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अलाउ यूज करके. बस एक लास्ट टॉपिक और, एग्जेम्पशन आ जाता है. एग्जेम्पशन पे इन्होंने बात बोली, सर क्या मैं इंस्टाग्राम पे फर्म का नाम और प्रोफेशनल सर्विसेज का डिटेल्स डाल सकता हूँ क्या? चंदन तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है अगर आईसीआई को ये बात पता चलेगी कि तुम इंस्टाग्राम पे अपनी मस्त प्रोफेशनल फर्म की डिटेल्स और सर्विसेज डाल रहे हो, तो क्या तुमको लगता है क्या आईसीआई तुमको क्या करेगी? अभी तक हमने क्लॉज 6 पूरा पढ़ लिया है, बस हम क्लॉज 6 के लास्ट में पहुंचने वाले हैं. क्या इंस्टाग्राम पे तुम फर्म का नाम और प्रोफेशनल सर्विसेज की डिटेल्स डाल सकते हो? इंस्टाग्राम किस चीज की साइट है? राइट. लिंक्डइन पे डालते हो तो समझ भी आता है, लिंक्डइन पे डालते हो तो समझ भी आता है कि हाँ लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल साइट, वहां पे प्रोफेशनल जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वो अपनी डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं. क्या इंस्टाग्राम पे तुमको सही फील आ रही है? सर इंस्टाग्राम पे सही फील नहीं आ रही, कहीं ना कहीं दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म. अगेन कहीं लिखा नहीं है. जजमेंट, अब तुम्हें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट बनानी पड़ेगी. ऑडिट की क्लास मेरे से ले रहे हो पर जजमेंट तो खुद की रखोगे. ठीक है, जो लॉ में लिखा है वो तो हमें समझना आता है, पर लॉ सब्सटेंशियली क्या कहना चाहते हैं? सर लॉ सब्सटेंस में तो ये कहना चाहते हैं कि हम सॉलिसिटेशन नहीं कर सकते. तो जो इंस्टाग्राम लोगों को मिलाने जुलाने के लिए, खेल कूद के लिए, बढ़िया चीजों के लिए बना गया है, उसमें तुम प्रोफेशनल सर्विसेज इस तरह की क्यों लेके आओगे? लॉजिकली जजमेंटिकली तुम इस चीज को नहीं कर सकते, बट लिखा कहीं नहीं है. ठीक है, तो अपने हिसाब से उसको तुमको देखना पड़ेगा. और ऐसी चीजें जनरली ऐसे पूछता भी नहीं है जो वो लिखता ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए. बट अगर कर भी रहे हो तो मेरे को लगता नहीं कि कोई रोकेगा. अगर रोकेगा तो फिर वो भी अपनी जगह ठीक है. ठीक है सर. एडवर्टीजमेंट फॉर फॉलोइंग पर्पसेस इज अलाउड. इन्होंने कहा इन पर्पसेस के लिए जो यहाँ लिखे हुए हैं, इनके लिए आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो. अगर आपको अपने ऑफिस के लिए कोई लड़का चाहिए, इफ यू वांट टू रिक्रूट स्टाफ फॉर योर ओन ऑफिस, तो आप वो कर सकते हो. प्लस अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो कोई एडवर्टीजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, अगर क्लाइंट को कोई स्टाफ चाहिए, क्लाइंट को कोई स्टाफ पर्सनल चाहिए, तो आप उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो. अगर आपको कोई बिजनेस या प्रॉपर्टी सेल करनी है बाय अ मेंबर, अगर कोई मेंबर बिजनेस और प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है इन द कैपेसिटी ऑफ लीडर. सर लीडर का क्या मतलब है? लिक्विडेटर, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर. इस कैपेसिटी में अगर आप कोई चीज सेल करना चाहते हो, अगर आप इस तरह से कोई चीज सेल करना चाहते हो, तो जी आप कर सकते हो, तो भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो. एंड लास्ट चीज आ जाती है, व्हेन एडवर्टाइजिंग फॉर स्टाफ इट्स डिजायरेबल टू अवॉइड सेइंग वेल नोन फर्म. अगर आप किसी स्टाफ के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मतलब अगर आपको स्टाफ चाहिए, तो आप एडवर्टीजमेंट तो डाल सकते हो, बट अवॉइड करना कि आप वेल नोन फर्म यूज करो. वेल नोन फर्म अलाउड नहीं है. अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स. अब मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, मजे से जल्दी से इन एग्जांपल्स को रीड करो. मैं तुमको दे रहा हूँ पांच मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इन एग्जांपल्स को रीड करो, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम में तुमको रीड करना है, क्वेश्चन एग्जाम में तुमको रीड करना है, तुमको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली सेम नहीं आएगा, और अगर सेम आ गया तो लड्डू पेड़ है. अगर नहीं आया तो भी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करो, जो हमने प्रोविजंस पढ़े उनको यूज करो और आंसर लिखो. जल्दी से तुमको दे रहा हूं 5 मिनट. दो
एग्जाम्पल्स ये रहे, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल दिखाऊंगा और तुमको चैट में बताते जाना कि पहला एग्जाम्पल वन गिल्टी नॉट गिल्टी आगे बढ़ो, एग्जाम्पल टू गिल्टी नॉट गिल्टी आगे बढ़ो, एंड एग्जाम्पल थ्री गिल्टी नॉट गिल्टी आगे बढ़ो। आगे बढ़ो नहीं लिखना बस, ठीक है, गिल्टी नॉट गिल्टी लिखना। ये लो देखो अच्छे से, यस। सो एग्जाम्पल वन का क्या रहेगा, एग्जाम्पल वन में क्या रहेगा, एग्जाम्पल टू नॉट गिल्टी, एग्जाम्पल वन नॉट गिल्टी, एग्जाम्पल वन कोई कह रहा है गिल्टी। सो एक फर्म है, उसने अपना नाम रखा xyzindia.com, xyzindia फर्म का नाम है, तो मैंने कहा xyzindia तो फर्म का नाम ही है और नाम भी एकदम सिमिलर है टू द वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट में फर्म की डिटेल्स है, बायोडेटा है पार्टनर का, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो पासपोर्ट साइज तो हमने अलाउ की थी, पासपोर्ट साइज तो हमने अलाउ की थी, तो वन में तो नॉट गिल्टी होगा, तो जो वन में गिल्टी लिख रहा है तुम गिल्टी हो, वन में वो गिल्टी नहीं है, वन में तुम गिल्टी हो कि तुम ढंग से पढ़ नहीं रहे, क्या कर रहे हो दोस्त। वन में तो जिस जिसने नॉट गिल्टी लिखा है वो एकदम सही है, ऋषभ एकदम बढ़िया, हैली एकदम बढ़िया, सब ने एकदम सही लिखा है, सुषमा ने भी एकदम सही लिखा है। अब आती है बात एग्जाम्पल टू की, एग्जाम्पल टू मेरे पास एक स्पेशल पॉइंट था, अर्नेस्ट डिपॉजिट। सर अर्नेस्ट डिपॉजिट क्या होता है, मैंने कहा अर्नेस्ट डिपॉजिट होता है अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस प्रोवाइड करने से पहले सामने वाला आपसे एक डिपॉजिट मांग सकता है इस चीज के लिए कि आप अपनी सर्विसेज ठीक से प्रोवाइड करो, उसको हम अर्नेस्ट डिपॉजिट बोलते हैं। अर्नेस्ट डिपॉजिट देना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में सीए तो टेंडर देगा ना, वो ले क्यों रहा है, सीए टेंडर देता है यार। धैर्य ने कितनी मजेदार बात करी, देखो सॉरी, अगर आपको किसी से काम कराना है, अगर आपको किसी से काम कराना है तो आप टेंडर फ्लोट करते हो, या अगर आपको काम चाहिए तो आप टेंडर फ्लोट करते हो। ये पता है बहुत लॉजिकल बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी से काम करवाना है ना, मतलब अगर आज मेरे को बिल्डिंग बनवानी है तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनको मैं टेंडर फ्लोट करूंगा, फिर वो टेंडर को रिस्पॉन्ड करेंगी। धैर्य अब तुमको मेरे को बताना है, क्या बात तुमको समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर समझ आ रही है। मैंने कहा सिंपल सी बात यही है ना, अगर मेरे को काम चाहिए तो मैं टेंडर को रिस्पॉन्ड करूंगा, इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करूंगा, है ना, और अगर मेरे को काम करवाना है तो मैं टेंडर फ्लोट करता हूँ। तो ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल टू भी क्लियर है। एग्जाम्पल थ्री का बताओ, एग्जाम्पल थ्री बताओ अब क्या कहता है एग्जाम्पल थ्री। एग्जाम्पल थ्री मैं तुमको बताता हूँ, एक चार्टर्ड इन सीए इन प्रैक्टिस है जिसने लेटर लिखा एक्स वाई जेड सीए फर्म को ऑफ सीएस रिक्वेस्टिंग देम टू अलॉट सम प्रोफेशनल वर्क। उसको कुछ प्रोफेशनल वर्क चाहिए था, इसके लिए उसने रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को कुछ काम दो, क्योंकि उसके पास सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस नहीं थी और क्लाइंट नहीं थे, तो उसने एक और फॉर्म ऑफ सीएस को लेटर लिखा। मिस्टर क्लेवर, मिस्टर चतुर, ठीक है सर, ये चतुर था, इसको लगा कि यार ये जो सीए है ना ये काम ठीक नहीं कर रहा, इसको ऐसे दूसरे सीओ से काम नहीं मांगना चाहिए, इसको ऐसे दूसरे सीए से काम नहीं मांगना चाहिए। इसने आईसीआई को इन्फॉर्म कर दिया रिगार्डिंग मिस्टर ऑनेस्ट अप्रोच टू सिक्योर प्रोफेशनल वर्क, इज मिस्टर ऑनेस्ट रॉन्ग, क्या मिस्टर ऑनेस्ट रॉन्ग है? मैंने कहा नहीं रॉन्ग है, ये हमने डिस्कस किया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि मिस्टर सीए रॉन्ग नहीं है। सर मिस्टर ऑनेस्ट रॉन्ग नहीं है, मिस्टर ऑनेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर ऑनेस्ट बाकी सीए से काम मांग सकता है, हमने ये बात डिस्कस करी थी कि नथिंग नथिंग हियर इन शैल प्रिवेंट और प्रोहिबिट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम साड़ी। सर साड़ी का मतलब क्या था? सिक्योर, सिक्योरिंग, अप्लाइंग, रिक्वेस्टिंग और इनवाइटिंग, अप्लाइंग, रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग कहाँ गया, रिक्वेस्टिंग और इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, आप ये चीज कर सकते हो।
आप ये चीज कर सकते हो, अगर आप सीएन प्रैक्टिस से काम मांगते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चंदन कह रहा है कि वेबसाइट के नाम में क्या इंडिया का नाम यूज कर सकते हैं, क्या वेबसाइट के नाम में आप इंडिया का नाम यूज कर सकते हो? तो मैंने कहा हाँ, यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं कि आप इंडिया का नाम यूज नहीं कर सकते। आप अगर वेबसाइट का नाम बना रहे हो तो आप इंडिया का नाम भी यूज कर सकते हो, बट हो सकता है तुमको कोई कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का एक्ट रोक दे, हो सकता है तुमको कोई कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का एक्ट रोक दे, तो मैंने कहा वो तुम देखना पड़ेगा, बट प्रोफेशनल एथिक्स के अंडर तो कैसा कहीं नहीं लिखा कि आप ऐसे इंडिया वगैरह या जिसका किसी का नाम यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी वो गिल्टी नहीं होगा। He has not committed any professional misconduct by soliciting the professional work. यहाँ पे कोई गिल्टी नहीं होगा। क्या CA in practice director हो सकता है cooperative society का? क्या CA in practice director हो सकता है cooperative society का? तो देखो, अगर वो cooperative society में substantial time दे रहा है, cooperative society में और बढ़िया काम वाम संभाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि हमने जब बात करी थी हमने बोला था डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अगर तुमको क्लॉज 11 याद है, हाँ सर क्लॉज 11 याद है, आज ही तो पढ़ा है, तो हमने यहाँ पे क्लॉज 11 में क्या बोला था सर? क्लॉज 11 में हमने बोला था यू कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ओ माय गॉड, कंपनी के डायरेक्टर तो बन सकते हो, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो यहाँ लिखा ही नहीं है, मेरे दोस्त, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में दिक्कत हो जाएगा, अदिति का क्वेश्चन है व्हाट इफ द टेंडर इज फॉर द ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी? अगर ये ऑडिट गवर्नमेंट कंपनी का होता, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट होता तो क्या हम टेंडर के लिए रिस्पॉन्ड कर पाते? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करता कौन है? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है? मैंने कहा कोई भी कंपनी हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, ये बात सेक्शन 141 में लिखी है। क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, कौन ऑडिटर है, बन सकता है? तो मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। अब यहाँ पे वो टेंडर को तभी रिस्पॉन्ड कर पाएगा जब क्या मेंशन्ड हो, सारे बच्चे मेरे को चैट में बताएंगे कि क्या मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ फॉर एन असाइनमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मैं कह रहा हूं मैं कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ ये मेरे को तुमसे जानना है, कब कर सकता हूँ मैं रिस्पॉन्ड? जो बच्चा मजे से बताएगा सीएनएजी तो अपॉइंट करता है, वो तो कभी केस में ही नहीं है। अभी तो प्रोफेशनल एथिक्स की बात हो रही, तो मेरी बात हो रही है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे को देखना है ना कि मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं हाँ कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ? अगर क्या मैं, बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा, अगर मिनिमम अमाउंट गिवन है, धैर्य हैली, बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर मिनिमम फीस स्पेसिफाइड होगी, तो मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। और मिनिमम फीस क्यों चाहिए? ताकि हम ग्रो कर सके। यस, मजा आ गया, यस सर आज मजा आ गया, मिनिमम फीस स्पेसिफाइड होनी चाहिए। क्लॉज सेवन करना चाहोगे आज तुम बोलोगे तो मैं क्लॉज सेवन कराऊंगा, वरना क्लॉज सेवन नहीं करेंगे, पर मैं चाहता हूँ क्लॉज सेवन करना चाहिए, क्योंकि सिक्स और सेवन साथ साथ होते हैं, दोनों करण अर्जुन है। अगर करण होगा अर्जुन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, और अर्जुन नहीं होगा करण होगा तो मजा नहीं आएगा। मैं कहता हूं मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे सिक्स और सेवन पेपर में आएंगे, तो क्या सिक्स के साथ सेवन करना चाहोगे? मेरी एनर्जी फुल है, तुम्हारी एनर्जी होनी चाहिए, तो हम साथ में पढ़ेंगे। सेवन मेरे हिसाब से तो आज कर लेना चाहिए, एकदम मजे से करते, खुशी से करते, मजा आ जाएगा। यस, कल करे सो आज कर अब 10 मिनट में क्लॉज सेवन करेंगे, 10 मिनट में क्लॉज सेवन करेंगे, हम दोनों रेडी हैं, चलो मिलके क्लॉज सेवन करते हैं। यस 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 ओके। क्लॉज सेवन क्या कहता है? क्लॉज सिक्स ने कहा सॉलिसिटेशन नहीं करनी, क्लॉज सेवन कह रहा है एडवर्टीजमेंट नहीं, यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइजेस हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज। अगर वो अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट, उसने एज अ प्रोफेशनल क्या क्या कमाया है और वो क्या क्या सर्विसेज देता है, अगर इन दो चीजों को वो एडवर्टाइज करेगा तो वो गिल्टी हो जाएगा। और तुमको मैंने क्या बताया था सर? हम ऑडिट के शेफ बनने वाले हैं। शेफ सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं डालता, उसकी जो टेस्टिंग होती है, जो स्मेलिंग होती है ना, वो भी बहुत बढ़िया पावर होती है। अब तुमको ना खुशबू आएगी, मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि किसकी खुशबू आ रही है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइजेस द प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज और यूजेस एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन सीए ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और साइन बोर्ड। क्या तुमको किसी सेक्शन की खुशबू आ रही है कि हम कोई और डेजिग्नेशन यूज ही नहीं कर सकते अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो इन्होंने कहा हाँ, हम चैप्टर
हम सेक्शन 7 में, कल हमने सेक्शन 7 पढ़ा था, यस सर कल हमने सेक्शन 7 पढ़ा था, सेक्शन 7 की खुशबू आ रही है। ऋषभ कह रहा है मेरे को तो छोले भटूरे, मेरे को ब्रेकफास्ट की खुशबू आ रही है। ऋषभ थोड़ा कंट्रोल करो दोस्त, थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। खाली पेट जो बढ़िया पढ़ाई होती है ना, सारी चीजें दिमाग में जाती है, और जब तुम एकदम पेट भर के बैठते हो तो सिर्फ और सिर्फ नींद आती है और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इन्होंने बात बोली, आप कोई डेजिग्नेशन नहीं यूज कर सकते, आप कोई डेजिग्नेशन नहीं यूज कर सकते अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन योर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। मुझे एक बात बताओ, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है? सर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप किसी नए क्लाइंट से मिलोगे तो आप सबसे पहले उसको क्या देते हो? अपना विजिटिंग कार्ड। क्लाइंट अगर आपके ऑफिस में आएगा तो सबसे पहले उसको बाहर क्या दिखेगा? साइन बोर्ड। और जब वो अंदर आएगा और आपसे काम कराएगा तो आप अपनी रिपोर्ट किस पे इशू करोगे? सर हम अपनी रिपोर्ट अपने लेटर हेड पे इशू करेंगे। तीन चीजें आपने बस याद रखनी, कौन से प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं। जब आप नए क्लाइंट से मिलते हो तो उसको देते हो विजिटिंग कार्ड, तो विजिटिंग कार्ड पे आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा, क्लाइंट जब आपके ऑफिस आएगा तो उसको बड़ा बड़ा क्या दिखेगा? सर उसको बड़ा बड़ा दिखेगा साइन बोर्ड। तीसरी चीज, जब आप उसको रिपोर्ट बना के दोगे तो अपने लेटर हेड पे दोगे। तो मैंने कहा इन तीन चीजों पे आप कोई भी डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, अनलेस क्या क्या यूज कर सकते हो? मैंने कहा अनलेस इट बी अ डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। अगर इंडिया के लॉ में कोई यूनिवर्सिटी बनी है और उसकी डिग्री है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। और रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अ टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट। या तो उसको डिग्री को रिकॉग्नाइज कर रखा है इंडिया के किसी लॉ ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या इट इज अ टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी मेंबरशिप ऑफ आईसीआई, आप आईसीआई के मेंबर हो। और एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल। देखो फिर से वापस आखिरी में सीसी आ गए, जैसे क्लॉज 4 में सीसी आए थे, क्लॉज 7 में भी सीसी आ गए। तो क्लॉज 7 क्या कहता है? सीएन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, पहले तो एडवर्टाइज, पहला पॉइंट एडवर्टाइज है इसमें। देखो दो धारी तलवार है ये, ना तो एडवर्टाइज अलाउ कर रहा है, ना कोई और डेजिग्नेशन यूज करने के लिए अलाउ कर रहा है, ना तो एडवर्टाइज अलाउ कर रहा है ना कोई और डेजिग्नेशन यूज करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो ये दिक्कत की बात है। तो मैंने कहा क्या कह रहा है ये क्लॉज 7 कह रहा है पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, वो कह रहा है सीएन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइजेस, दो चीजें प्रोफेशनल अटेनमेंट और प्रोफेशनल सर्विसेज, और यूज एनी डेजिग्नेशन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन हिज प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है सर? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट का मतलब है विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड और लेटर हेड, इन पे आप यूज नहीं करोगे अनलेस इट बी अ डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट और अ डिग्री इंडिकेटिंग द मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट और लास्ट पॉइंट क्या था, एनी अदर इंस्टीट्यूशन विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। किसने रिकॉग्नाइज करा? सी और सी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल ने। बस इतनी सी बात बोली क्लॉज 7 ने। बट क्लॉज 7 ने, सर लोग सीए डॉक्टर एबीसी क्यों लिखते हैं फिर? लोग सीए डॉक्टर एबीसी क्यों लिखते हैं फिर? कौन लिखता है सीए डॉक्टर एबीसी? सुनने में इतना अटपटा सा लग रहा है सुनने में ही काफी अटपटा लग रहा है कि सीए के आगे डॉक्टर, डॉक्टर के आगे एबीसी, ऐसे कौन लिखेगा? कौन लिखता है सीए डॉक्टर एबीसी? मैंने तो किसी का भी नहीं देखा। एग्जांपल शेयर करना दे रहे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, मेरे साथ एक एग्जांपल शेयर करना, फिर देखते हैं इसको कौन यूज कर रहा है सीए डॉक्टर। या तो डॉक्टर यूज करते हैं या सीए यूज करते हैं, सिंपल, ठीक है। मेंबर्स इन प्रैक्टिस में एडवर्टाइज थ्रू अ राइटअप, याद रखना ये एक्सेप्शन है कि आप राइटअप के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं। राइटअप की गाइडलाइंस मैं तुम्हारे साथ अभी कवर करूंगा। सेटिंग आउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम और हिज फर्म पर्टिकुलर ऑफ हिज फर्म सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल। तो ये है राइटअप की गाइडलाइंस, और राइटअप की गाइडलाइंस तुमको बताता हूं। तुमने एकदम सच्ची सच्ची प्यारी प्यारी बातें लिख रहे, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल जब आप अपना राइटअप बना रहे हो। प्लस बड़ा चढ़ा के चीजों को नहीं बताना, आपने कोई भी एग्जेजरेटेड क्लेम नहीं रखने, कोई भी एग्जेजरेटेड क्लेम नहीं करने। प्लस नो डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेज और अनसबस्टेंशिएटेड कंपेरिजन। सर डिस्पैरेजिंग मतलब, मैंने कहा डिस्पैरेजिंग मतलब अपमानजनक, आपने कोई भी ऐसे रेफरेंसेस नहीं करने, कोई भी अनसबस्टेंशिएटेड कंपैरिजन नहीं करने, यानी आपने अपनी फर्म को दूसरी फर्म से ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बताना ये फर्म एकदम घटिया है, एकदम खराब है, हमारी फर्म एकदम बढ़िया है। तो आपने इस तरह की चीजें नहीं करने। क्या हम बीकॉम की डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हो ना, बीकॉम की डिग्री आनी चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज बाय लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आज मैंने डीयू से बीकॉम ऑनर्स करी है तो मैं बीकॉम ऑनर्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली चीज, मेरे को राइटअप में कोई ऐसी चीज नहीं लिखनी विच ब्रिंग्स अ डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, जो सीए के प्रोफेशन पे डिसरिप्यूट लेके आती है। प्लस इट विल नॉट कंटेन एनी टेस्टिमोनियल। सर टेस्टिमोनियल का क्या मतलब है? मुझे एक बात बताओ, जब तुम क्लास 11th या 12th में थे, हाँ सर क्लास 11th 12th में थे, जिसके अंडर भी तुमने क्लास 11th और 12th की कोचिंग करी, क्या उन सर का तुमको फोन आया था कि यार तुम्हारी तुम्हें हमारी जो कोचिंग क्लासेस थी कैसी लगी बताओ? तो हाँ, तुमने बोला था यस सर मुझे आपसे पढ़ के मजा आ गया, मेरे बिजनेस स्टडीज में 99 मार्क्स आए, अकाउंटेंसी में 98 मार्क्स आए, सिर्फ और सिर्फ सुमित सर की वजह से।
तो मैंने कहा वो सुमित सर को जो तुमने लाइनें लिख के दी उसको हम टेस्टिमोनियल कहते हैं, उसको हम टेस्टिमोनियल कहते हैं। तो कभी तुमने देखा कोई सीए फर्म ऐसे टेस्टिमोनियल लेके आए, अरे आरकेएन एसोसिएट्स ने मेरा बहुत सारा टैक्स बचाया, इन्होंने तो मेरे को एकदम माला माल कर दिया, दिस इज द बेस्ट फर्म। तो ये सीए फर्म्स पे ना ऐसी चीजें सूट नहीं करती, इसी चीजें सीए फर्म्स पे सूट नहीं करती। तो इस वजह से हमने टेस्टिमोनियल्स को मना कर दिया। अगली चीज, इट विल नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अचीवमेंट्स और अवार्ड्स। आप कोई भी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स नहीं लिख सकते, एक्सेप्ट स्टार मार्क कर लो इसको, जहां भी एक्सेप्शन मिलती है ना स्टार मार्क कर लिया करो, तुम्हारी दिमाग की बत्ती जल जाएगी और रिवीजन करते वक्त याद आ जाएगा। एक्सेप्ट अवार्ड्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यानी जो अवार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के हैं उनको 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 तुम मेंशन कर सकते हो। मोनोग्राम कोई नहीं डाल सकते, कोई मोनोग्राम अलाउड नहीं है। प्लस मेंबरशिप नंबर और फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर टू बी मेंटेन, आप अपने मेंशन कर सकते हो मेंबरशिप नंबर और फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड ये एक और स्टार पॉइंट है जो एमसीक्यू में आ सकता है, फॉन्ट साइज 14 तक अलाउड है, फॉन्ट साइज अप टू 14 इज अलाउड, फॉन्ट साइज 15 16 17 या उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, फॉन्ट साइज अप टू 14 इज अलाउड। ठीक है सर, अब आती है कुछ बातें क्या इनको बस रीड करना है, इनको बस रीड करना है और आगे बढ़ना है। मैंने कहा क्या, यूज ऑफ डेजिग्नेशन एमपी म्युनिसिपल काउंसिलर नॉट परमिटेड, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। अ मेंबर कैन मेंशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑन हिज विजिटिंग कार्ड लेटर हेड, ये सही है। डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द प्रैक्टिस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द प्रैक्टिस लिख सकते हैं? मैंने कहा नहीं, डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द प्रैक्टिस शुड नॉट बी मेंशन ऑन लेटर हेड एंड अदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। अब मेरा आपसे सवाल, क्या वेबसाइट पे मैं ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाल सकता हूँ? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, क्या हम वेबसाइट पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाल सकते हैं? डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द प्रैक्टिस तो हम नहीं डाल सकते, किसमें नहीं डाल सकते? अपने विजिटिंग कार्ड पे, लेटर हेड पे और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पे। बट क्या ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो हमने वेबसाइट पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये तुमको मेरे को बताना है। अगली चीज, नोटिस इन द प्रेस रिलेटिंग टू द सक्सेस इन एग्जामिनेशन। अगर आपने किसी आर्टिकल को, अगर आपने सबने एकदम बढ़िया बताया, ऋषभ गोदावरी जी, अनुभव, आयशा बिल्कुल परफेक्ट, महिमा ने भी एकदम सही बताया कि सर हम ये सब चीजें लिख सकते हैं, हम ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अपनी वेबसाइट पे लिख सकते हैं। सो दिस इज अ पॉइंट जो तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। नोटिस इन द प्रेस रिगार्डिंग द सक्सेस इन एग्जामिनेशन, आपने एज अ प्रिंसिपल किसी आर्टिकल को ट्रेन किया, और उस आर्टिकल की ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, तो सर क्या ये चीज न्यूज़पेपर में आएगी? मैंने कहा हाँ आएगी, बट याद रहे इट शुड नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ अनडिजायरेबल पब्लिसिटी, आपने कोई अनडिजायरेबल पब्लिसिटी नहीं करनी। आप ये सारी डिटेल्स दे सकते हो, कैंडिडेट का नाम, एड्रेस, स्कूल, लोकल बैकग्राउंड, एग्जामिनेशन, कौन सी एग्जामिनेशन उसने क्लियर करी है, क्या प्राइज मिला, क्या प्लेस आई उसकी, यानी कौन सी रैंक आई, नेम ऑफ प्रिंसिपल, फर्म, टाउन जहाँ पे वो प्रिंसिपल प्रैक्टिस करता है, ये सारी चीजें आ सकती है, बट कोई भी एलिमेंट ऑफ अनडिजायरेबल पब्लिसिटी नहीं आएगा। रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, इन्होंने कहा रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स तो आप देते हो, बट थोड़ा ध्यान से दो। मैनर ऑफ पब्लिकेशन शुड बी लिमिटेड टू व्हाट इज नेसेसरी टू इनेबल द रिपोर्ट और सर्टिफिकेट टू सर्व इट्स प्रॉपर पर्पस, उस तरह से आपने उसको पब्लिश करना है। प्लस हमेशा आप अपने लेटर हेड पे ही रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स को पब्लिश करोगे, आप प्लेन कोरे कागज पे अपने कभी भी रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स नहीं दोगे। अब आती है अगली चीज, अपीयरेंस ऑफ सीएज ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हो सकता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट और रेडियो पे लेक्चर देने के लिए बुलाया जाए, किसी भी फोरम पे, वहां पे वो अपना नाम दे सकते हैं और अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो फर्म का नाम भी दे सकते हैं। याद रहे यहाँ पे सिर्फ इसी केस में फर्म का नाम देना अलाउड है, बट एग्जेजरेटिंग क्लेम और कंपैरिजन ये अलाउड नहीं है। आप कोई भी एग्जेजरेटेड क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी फर्म एकदम बढ़िया है, इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल व्यू देना है, क्या आपका टॉपिक को व्यू है वो आपने देना है, और आप मेंशन कर सकते हो कि आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हो, ताकि आईसीआई को थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए, आप इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मेंशन कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस मेंबर्स गिविंग टॉक्स और लेक्चर्स और अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, जैसे आईसीआई की कॉन्फ्रेंसेज होती है वैसी कुछ प्रोफेशनल फोरम्स पे कॉन्फ्रेंसेज होती है, वहां पे वो अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ सीए, ओनली व्हेन दे आर एक्टिंग इन देयर कैपेसिटी एज सीएस। हाउएवर रेफरेंस टू प्रोफेशनल फर्म शुड नॉट बी गिवन। अब याद रखना, अगर मैं मीडिया में जाता हूं तो मैं फर्म का नाम दे सकता हूं, इन्होंने बोला। अगर मैं मीडिया में जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाता हूँ, रेडियो टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, इस पे जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ तो वहां पे मैं फॉर्म का नाम नहीं दूंगा। रेफरेंस टू द प्रोफेशनल फॉर्म शुड नॉट बी गिवन। बट अब अगर मेरे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नया एक्ट आया, कोई अमेंडमेंट आई, अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई एक्ट आया, अमेंडमेंट आई, तब मैंने अपने ऑफिस में एक सेमिनार रखा है, मैंने अपने ऑफिस में एक सेमिनार रखा है, एक ट्रेनिंग कोर्स रखा है,
तो उस ट्रेनिंग कोर्स के लिए मैं इनवाइट कर सकता हूँ स्टाफ ऑफ अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को स्टाफ को भी ट्रेन करने के लिए मैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ, उनके क्लाइंट को इनवाइट कर सकता हूँ, बट अनड्यू प्रोमिनेंस शुड नॉट बी गिवन टू द नेम ऑफ सीए इन एनी बुकलेट और डॉक्यूमेंट, यानी जो भी मैं उसमें ट्रेनिंग मटीरियल इशू करूंगा, जो भी बुकलेट इशू करूंगा, जो डॉक्यूमेंट इशू करूंगा, उसमें कोई अनड्यू प्रोमिनेंस नहीं होगी मेरे नाम को सीए के नाम को लेकर। राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस, यू मे गिव योर नेम्स एंड यूज द डिस्क्रिप्शन सीए, ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है। साइन बोर्ड, सर साइन बोर्ड का साइज कितना होना चाहिए, यानी अगर मेरी एक सीए फॉर्म है उसके बाहर जो साइन बोर्ड है उसका साइज कितना होना चाहिए, इन्होंने एक बात बोली, साइज कुछ भी हो बट तड़कते भड़कते चमकते, जैसे चांदनी चौक में होते हैं ना एकदम लाइटों वाले बड़े बड़े साइन बोर्ड, ग्लोइंग वाले लाइटें जलबुज जलबुज कर रही होती है, तो मैंने कहा वो तरह के साइन बोर्ड आप यूज नहीं कर सकते, यूज ऑफ ग्लो साइंस और लाइट्स ऑन लार्ज साइज बोर्ड आप परमिशेबल नहीं है, आप एक छोटा सुंदर सा प्यारा सा साइन बोर्ड रख सकते हो बट ऐसे बड़े बड़े तड़क भड़क वाले साइन बोर्ड आप यूज नहीं कर सकते। ये एक स्टार पॉइंट है और इसके बाद हमारा आज की क्लास डन हो जाएगी, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद अपन क्लास को एंड करेंगे। ये कह रहा है पब्लिक अनाउंसमेंट विद डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये कहा काफी कंपनीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टर होते हैं और ये बात आज हमने क्लॉज 11 में पढ़ी भी है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टर बन सकता है, तो इन्होंने कहा जब ये पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस निकालती है, पब्लिक अनाउंसमेंट निकालती है, इट शुड नॉट पब्लिश द डिस्क्रिप्शन अबाउट सीएस एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन और नॉलेज, इसको सीए की एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन और नॉलेज के बारे में कुछ भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। मेंबर शुड इनवाइट अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट टू द प्रोविजंस एंड उनको रिक्वेस्ट करो कि जब भी आप इस तरह की कोई प्रोस्पेक्टस इशू करो, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करो, पहले मुझसे पढ़वा लो कि मैं देख लूं कि कल को इस डॉक्यूमेंट के इशू होने से मेरा कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ना हो जाए, तो रिक्वेस्ट करो दैट बिफोर द कम्युनिकेशन इट इशू इट शुड बी अप्रूव्ड बाय हिम, वो अप्रूव करेगा तभी इस तरह की कम्युनिकेशन इशू होगी। उसके नाम के आगे सीए परमिशेबल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड अगर उसकी किसी और कंपनी में डायरेक्टरशिप्स हैं तो वो भी अलाउड है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जो नेम ऑफ द फर्म है उसकी जो फर्म का नाम है वो यहाँ पे नहीं देना, उसकी जो फर्म का नाम है वो यहाँ पे देना अलाउड नहीं है, फर्म का नाम नहीं दे सकते। एंड लास्ट में दो चीजें और आ जाती है, लास्ट में दो चीजें और क्या आ जाती है, यूज ऑफ लोगो और मोनोग्राम, कोई भी लोगो और मोनोग्राम प्रोहिबिटेड है, आप कोई लोगो मोनोग्राम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सीए का लोगो चलेगा, सिर्फ और सिर्फ सीए का लोगो चलेगा। इस लोगो के बारे में हम काउंसिल जनरल गाइडेंस में एक बार रीड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्या आप अपने विजिटिंग कार्ड पे क्यूआर कोड डाल सकते हो, मतलब अपने विजिटिंग कार्ड पे बाकी डिटेल्स तो डालते ही हो, क्या आप अपने विजिटिंग कार्ड पे क्यूआर कोड डाल सकते हो, मैंने कहा हाँ क्यूआर कोड डाल सकते हो, उसमें वही डिटेल्स होनी चाहिए जो जनरली अलाउड है, मैंने कहा क्या, आपका नाम, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फॉर्म का नाम, ये डिटेल्स जैसे विजिटिंग कार्ड पे अलाउड है आपके क्यूआर कोड के थ्रू भी अलाउड है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अदिति का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो इंक्लूड सोशल नेटवर्किंग एंड इंटरव्यूज बट देयर इट इज नॉट अलाउड, देखो अदिति इन्होंने स्पेसिफिकली बोला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट, यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स क्या यूज करे, इन्होंने बोला टेलीविजन फिल्म्स इंटरनेट और रेडियो। अब देखो इंटरनेट और रेडियो में अगर आप कभी अपियर होते हो, इंटरनेट और रेडियो पे आप कभी अपियर होते हो, तो अगर आपको किसी बात बात करने के लिए बुलाया गया है, ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया है, देखो इन्होंने बोला ना कि फोरम्स वगैरह पे जाते हैं वो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे ना उनके प्रोफेशनल व्यूज के लिए बुलाया जाता है, यानी सपोज जीएसटी एक्ट आया और अदिति सिंगल सीए अदिति सिंगल बन गई, तो सीए अदिति को बुलाया गया कि आओ हमारे साथ इंटरनेट पे, हम एक बढ़िया यूट्यूब पे लाइव सेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको आना चाहिए और हमारे साथ बैठ के थोड़े टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करने चाहिए, तो वहां पे जाके अगर आप सीए फर्म का नाम लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यही अगर कोई कॉन्फ्रेंस है, यही अगर कोई कॉन्फ्रेंस है वहां पे आप ये चीज यूज नहीं कर सकते, आप कॉन्फ्रेंस में फॉर्म का नाम यूज, सर कॉन्फ्रेंस का मतलब बताओ, मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था हमारे यहाँ बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती थी, यूथ कॉन्फ्रेंस होती थी, नेशनल और आईसीआई भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज कराता है, तो मैंने कहा ये जो सारी कॉन्फ्रेंसेज होती है, ये जो सारी कॉन्फ्रेंसेज होती है, इन्होंने बोला है रेफरेंस टू द प्रोफेशनल फंक्शन नॉट गिवन, सो एज अ स्टूडेंट हम बायफरकेट कैसे करें, मैंने कहा देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में वर्ड दिख जाए कॉन्फ्रेंस, अगर तुम्हें क्वेश्चन में वर्ड दिख जाए कॉन्फ्रेंस, मतलब एज अ स्टूडेंट ही बता रहा हूँ तुमको, तुमको कैसे पता चलेगा, लॉजिकली तो समझ लिया, प्रैक्टिकली समझ लिया कि हाँ ऐसे ऐसे करके चल रहा है, बट क्वेश्चन देखते वक्त कैसे पता चलेगा, तो अगर क्वेश्चन में वर्ड दिख जाए कॉन्फ्रेंस, समझ जाना फॉर्म का नाम नहीं आना चाहिए, बट अगर क्वेश्चन में आ जाए अपियरेंस, अपियरेंस ऑन टेलीविजन, अपियरेंस ऑन रेडियो, तो समझ जाना कि भाई फॉर्म का नाम दे सकते हैं, इस तरह से याद करना है। मोनोग्राम का क्या मतलब है, क्या तुम सोनी टीवी देखते हो, हाँ सर सोनी टीवी देखते हैं, सर सोनी टीवी में ना कुछ ऐसे करके साइन बना होता है, ऐसे करके सोनी टीवी का ना साइन बना होता है, हाँ सर बना होता है, इसी को मोनोग्राम बोलते हैं, मोनोग्राम बोल दो या लोगो बोल दो, इस तरह की चीजें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना शोभा नहीं देता,
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस तरह की चीजें शोभा दे रखना नहीं देता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप सीए का लोगो यूज कर सकते हो। सर ऐसा करो ना, सीए का लोगो दिखाई दो। यार तुम ना बहुत ज्यादा लालची हो। सर हाँ हम बहुत लालची है, सीए का लोगो दिखाओ। ये देखो सीए का लोगो डाल रखा है अपने बुक में। लोगो की गाइडलाइन भी है कि लोगो क्या होगा। सर लोगो विल कंसिस्ट ऑफ द लेटर सीए विद अ टिक मार्क इनसाइड अ राउंडेड रेक्टेंगल विद व्हाइट बैकग्राउंड। यानी व्हाइट बैकग्राउंड होगा, उसमें टिक मार्क होगा इनसाइड अ रेक्टेंगल, और ऐसे सीए लिखा होगा। सिर्फ और सिर्फ सीए का लोगो यूज कर सकते हो और कुछ नहीं यूज कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लॉज 7 जो अभी हमने कवर किया। आज हमने क्या क्या कवर किया। सर आज हमने क्लॉज 6 कवर किया, क्लॉज 7 क्या कवर किया। सुबह हमने स्टार्ट किया था क्लॉज 4 के साथ, उसके बाद हमने क्लॉज 11 पढ़ा, क्लॉज 2-3 भी हमने साथ में कवर करे थे। इस तरह से हमने आज सारे क्लॉजेस मोटा माटी कवर कर लिए। कल छोटे मोटे क्लॉज रह जाएंगे और हम अपना फर्स्ट शेड्यूल खत्म करके सेकंड शेड्यूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अनुभव का क्वेश्चन है, क्या प्रोफेशनल अटेनमेंट का क्या मतलब है। सर अनुभव का क्वेश्चन है, प्रोफेशनल अटेनमेंट का क्या मतलब है। अटेनमेंट मतलब तुमने क्या अटेन किया है। कई लोग पूछते हैं ना, तुमने लाइफ में अभी तक किया क्या है। किया क्या है मतलब वो पूछना चाह रहे तुमने अचीव क्या किया है, तुमने आज अचीव क्या किया है जिंदगी में, तो उसको बोलते हैं अटेनमेंट। यानी अनुभव, जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, तुम ढेर सारी कंपनीज का ऑडिट करोगे, ढेर सारी कंपनीज को टैक्स कंसल्टेंसी दोगे, वो चीजें तुम अटेन करोगे, वो चीजें तुम अचीव करोगे, तुम्हारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तुम अचीव करोगे। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है ना दोस्त, इसी को तो अटेनमेंट कहते हैं, इसी को तो अचीवमेंट कहते हैं, इसी को तो कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, उसको हम अटेनमेंट कहते हैं। ये सब चीजें ना तुम बता नहीं सकते, जोर जोर से बोल बोल के सबको स्कीम नहीं बता सकते कि भाई मैंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है, हमने बहुत लोगों को कंसल्टेंसी सर्विस दी है, इतना बताना अलाउड नहीं है। और बाकी चीजें तो हम पढ़ते जाएंगे ना, जल्दी जल्दी करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और जल्दी प्रोफेशनल एथिक्स को खत्म करके बाकी चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। पर तब तक मजे से पढ़ो, सीखो और जल्दी जल्दी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे, चलते चलते।